Okay, good morning everyone. I said good morning everyone. नहीं आओ आओ नहीं चाहिए मेरे को. गुड मॉर्निंग का आंसर गुड मॉर्निंग बस. कल हमने सिर्फ मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग डिस्कस किया था. वी स्टार्टेड विथ मीनिंग ऑफ द वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इफ यू ऑल रिमेंबर दैट्स अर इंडियन गैप फॉर lot of private entities. We will say it's accounting standards plus schedule 3. For listed companies we will say it is Ind AS plus schedule 3. बात किया था हमने इसके बारे में. Because of Ind AS हमारे financial statement के अंदर एक चीज और add हो गया है. उसका नाम क्या है? SOCE, that is statement of changes in equity. So we have balance sheet, profit and loss account, cash flow statement, notes to accounts and SOCE. फिर सर हमको एक चीज समझ में आया. पूरे ऑडिट के डिस्कशन के अंदर द ऑडिट वर्ड हियर मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट. विच ऑडिट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट. इसके लिए दो वर्ड्स और दिए थे आपको. यू कैन ऑल्सो यूज द वर्ड एक्सटर्नल ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट. ये हमने डिस्कस किया था या नहीं किया था सर? मतलब ऑडिटिंग इज एग्जामिनेशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन बट आवर फोकस इज गोइंग टू बी ओनली ऑन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. थोड़ा बहुत डिस्कशन इंटरनल ऑडिट पे होगा बाद में, थोड़ा बहुत डिस्कशन टैक्स ऑडिट पे होगा बाद में, बट हमारा प्राइमरी फोकस जो रहेगा, जो आपका मेजर सिलेबस है, दैट इज आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट. मतलब इसके अंदर ना सिर्फ नॉर्मल कंपनीज का ऑडिट नहीं आएगा, अप टू सम एक्सटेंट जो हमारे अदर एंटिटीज हैं. आई ऑल्सो टोल्ड यू यस्टरडे, ऑडिट ऑफ अ सिनेमा हॉल, ऑडिट ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, बैंकिंग कंपनी का ऑडिट हो गया, इंश्योरेंस वगैरह फाइनल में आता है, NBFC का ऑडिट वगैरह फाइनल में आता है, इंटर लेवल तक इट्स अबाउट बैंक ऑडिट, कोऑपरेटिव एंड अदर बिजनेसेस जो होते हैं हमारे. इट कैन बी अ हॉस्पिटल, इट कैन बी अ क्लब, इट कैन बी अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उन सबके ऑडिट्स भी आपके सिलेबस में कवर्ड है. बट हमारा जो पहले प्राइमा फेशियल डिस्कशन रहेगा ना, वो एक अज्यूम कीजिए नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड का ऑडिट का हम बात करेंगे. कौन से वाले ऑडिट का? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट का. इसके लिए हमने कल एक डेफिनेशन लिखा था. आई वॉन्ट एवरी वन टू गो बैक टू योर नोटबुक्स. I want you to read the definition once and let's be clear about it, that it is an independent examination of financial information. That is why we are saying this audit is nothing but my financial statement audit. Or sir, external kyun bolte hain? Kyunki word hai independent. Word kya hai? Independent. That means this person should not be entity's employee. कंपनी का एम्प्लॉई एक्सटर्नल नहीं हो सकता है. कंपनी का एम्प्लॉई क्या हो जाएगा? इंटरनल हो जाएगा. इसीलिए वो कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता है. कौन सा ऑडिटर नहीं बन सकता है? एक्सटर्नल ऑडिटर नहीं बन सकता है. दैट इज व्हाई व्हेन वी से इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होना चाहिए, मतलब एक अनबायस्ड फ्री फ्रॉम एनी कंपनीज इन्फ्लुएंस वाला इंसान को हायर करना चाहिए ऑडिट करने के लिए. सर ये हम ऑडिट क्यों कर रहे हैं? व्हाई आर वी डूइंग दिस? वी आर डूइंग दिस ऑडिटिंग फॉर यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इसके लिए यूजर्स ऑफ फाइनेंस, क्योंकि आपको बताया था मैंने कल, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट. यूजर्स कैन नॉट रिलाय डायरेक्टली ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट, बिकॉज उन्हें हमेशा डाउट रहेगा, व्हाट इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फेयर, व्हाट इफ देयर इज सम मैन्युपुलेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. आइडियली वी नीड अ थर्ड पर्सन हु इज अ प्रोफेशनल पर्सन, जो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करेगा और उसके बाद में उस पर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा. क्या एक्सप्रेस करेगा? ओपिनियन. इसीलिए आपने डेफिनेशन में देखा होगा सबसे इंपॉर्टेंट था लास्ट लाइन, विथ अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन. हम ये पूरा ऑडिट का एग्जामिनेशन क्यों कर रहे हैं? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेट. अब सर यहां से हमने आगे डिस्कशन शुरू करने का है. यस्टरडे इन दी एंड वी टॉक्ड अबाउट कि नॉर्मल एक ऑडिट में स्टेप्स क्या क्या होते हैं. कुछ पांच स्टेप्स मैंने आपको लिखाए थे, याद है क्या ऐसा? आपको दिखाया था क्या पांच स्टेप्स आपको मैंने? क्या क्या स्टेप लिखाया था बोलो? अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट, कि भाई कंपनी का बिजनेस अगर नहीं समझता है, इंडस्ट्री नहीं समझता है, तो हमने ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए. दूसरा चीज हमने क्या डिस्कस किया था?
यार एंगेजमेंट टर्म्स अग्री होने चाहिए, उसके बाद में ही आप आगे बढ़ोगे। याद है इसके लिए बताया था एक वर्ड, एंगेजमेंट लेटर करके रहता है, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ऑडिटर एंड द क्लाइंट, हु विल प्रिपेयर द लेटर, लेटर में कंटेंट क्या क्या आएगा, आगे डिस्कशन होगा। देन विल देयर बी अ प्लानिंग ऑफ ऑडिट, यस, वो कैसे होगा, वी हैव टू डिस्कस इन डिटेल। उस प्लानिंग का एग्जीक्यूशन होगा, देन रिपोर्टिंग पार्ट विल कम। आज यहीं से हमारा डिस्कशन थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो मैंने आपको कल बोला था दैट हमारे पास इन टोटल जो मैंने आपको लिस्ट दिखाया था 36 ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स थे, एंड आई टोल्ड यू आउट ऑफ देम सम आर नॉट एप्लीकेबल फॉर यू, रिमेंबर दैट। अभी के लिए ना दिमाग में, अगले कुछ दिनों के लिए मेरे लिए क्या एप्लीकेबल है क्या नहीं है वो छोड़ दो, उस पर फोकस ही मत करो। फोकस क्या करो, देर आर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बताते हैं ऑडिट कैसे करना चाहिए, बताते हैं ऑडिट कैसे करना चाहिए। सो इन्होंने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को कैसे डिवाइड किया है, देर इज अ सीरीज, इन्होंने बोला है 200 सीरीज, 300, 4, 5, 6, 7, 800 भी है। अब हर सीरीज में ना स्टैंडर्ड्स है, जैसे 200 सीरीज में पहला स्टैंडर्ड 200 ही है, देन वी हैव 210, 220 एंड सो ऑन, 230 भी है, 240 भी है, फिर कहीं कहीं ऐसा होगा 600 में 600 है, 610 है, 620 है, 601 कुछ भी नहीं है, 700 के आगे नेक्स्ट जो है वो 701 है, मतलब ऐसा नंबरिंग में रैंडम किया हुआ है। तुम बोलोगे यार ऐसा क्यों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो बढ़िया था, 1 2 3 4 ऐसा सीक्वेंस था पूरा का पूरा, सही बात है कि नहीं है। देखो इधर लॉजिक ये है, इन्होंने ना ये जो सीरीज है ना इसको एक लॉजिक के अंदर बाइफरकेट किया है, कैसे, 200 सीरीज जो है ना पूरा का पूरा ही है, दिस इज अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ऑडिट। मतलब यहां पर ना एक ऑडिटर का नॉर्मली ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑडिट के अंदर देयर इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट डॉक्यूमेंटेशन, वो क्या होता है, फ्रॉड के रिगार्डिंग इन जनरल ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मतलब ना ये प्लानिंग वाला पार्ट नहीं है, 200 इज सर्टेन स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट जो आपके लिए इंट्रोड्यूस करता है, 300 सीरीज जो है वो पूरा का पूरा प्लानिंग के ऊपर है, इसके ऊपर है प्लानिंग के ऊपर। ये जो 400 500 600 है ये तीनों का तीनों एग्जीक्यूशन के ऊपर है, 700 जो है ये पूरा का पूरा रिपोर्टिंग के ऊपर है। मतलब उन्होंने स्टैंडर्ड्स को भी बाइफ्रकेट किया कैटेगरीज के अंदर, मतलब रिपोर्टिंग रिलेटेड सारे स्टैंडर्ड्स कहां पे आएंगे, 700। हो सकता है ना रिपोर्ट्स के अंदर कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स आएंगे, चेंजेस आएंगे जो उनको नए स्टैंडर्ड्स के थ्रू लेके आने पड़ सकते हैं, तो उनके पास में स्कोप रहना चाहिए नए स्टैंडर्ड्स को इंसर्ट करने का, तो उन्होंने इन जनरल एक रेंज लेकर के स्टैंडर्ड्स बना दिए, 700 पहला बनाया, फिर बनाया 705, बाद में रिसेंटली एक नया स्टैंडर्ड आया तो उन्होंने उसको 701 दे दिया, बिकॉज दैट शुड हैव अ पोजीशन इन बिटवीन 700 एंड 705, तो उन्होंने उसको ओपन एंडेड छोड़ा है ताकि वो नई चीजों को टाइम टू टाइम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उस कैटेगरी में। तो रिपोर्टिंग रिलेटेड सब कुछ 700 में आएगा, एग्जीक्यूशन रिलेटेड सब कुछ कहां पर आएगा, 456। ये 456 का भी बाइफरकेशन है, मतलब अगर मेरे को एज अ ऑडिटर किसी थर्ड पर्सन का हेल्प लेने का ऑडिट करने के लिए, मतलब ऑडिटर को भी एक्सपर्ट का जरूरत पड़ सकता है ना यार, वो 600 में आएगा। मतलब उन्होंने बहुत स्मार्ट तरीके से बाइफरकेशन किया, जहां पर भी आप एक थर्ड पार्टी का हेल्प ले रहे हो वो किधर चले जाएगा, 600 में चले जाएगा, किधर चले जाएगा। पॉइंट क्या, अभी उतना डिटेल में नहीं जाते हैं, सिर्फ एक चीज समझते हैं, बाइफरकेशन जो सीरीज का है ना एक लॉजिकल बेसिस पे, प्लानिंग जो है सब कुछ कहां पर आएगा, 300। एक बात सोचो, तुमको मैंने कुछ स्टेप्स लिखा के दिए थे कल, वहां पर पहले दो स्टेप छोड़ दो, वो मैंने लिखवाए आपको, रियल लाइफ में लोग बोलते हैं ऑडिट के तीन स्टेप हैं, प्लानिंग एग्जीक्यूशन रिपोर्टिंग, कितने स्टेप होते हैं, तीन, प्लानिंग एग्जीक्यूशन रिपोर्टिंग। पर मेरे हिसाब से प्लानिंग के पहले ऊपर का दो चीज होना ही चाहिए, अरे यार अगर एंगेजमेंट हमसे एक्सेप्ट नहीं किया तो प्लानिंग कैसे होगा, उसके पहले अगर मैंने सोचा ही नहीं मेरे को एक क्लाइंट लेना है या नहीं लेना है तो एंगेजमेंट टर्म्स कैसे एक्सेप्ट होगा। बात समझ में आया क्या, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने 5 पॉइंट लिखवाया है। इन जनरल डरो मत, एग्जाम में स्टेप्स इन ऑडिटिंग नहीं पूछते हैं, एग्जाम में डेफिनेशन ऑफ ऑडिट नहीं पूछते हैं, ये बहुत ही बेसिक लेवल हो गया है, मैं बहुत ही धीरे धीरे शुरू कर रहा हूं बिकॉज आपके लिए ये पूरा नया दुनिया है। एक लेवल ऐसा आएगा जहां मैं बाउंसर्स मारना शुरू करूंगा और तुमको समझ में भी आ जाएगा, बाय दैट टाइम तुम एक्चुअली केपेबल बन भी जाओगे। एंड मतलब बाउंसर्स ऐसा नहीं लिटरली,
चैलेंज क्या रहेगा, आई विल आस्क यू टू रीड फर्स्ट, फिर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, फिर तुम बहुत बढ़िया बढ़िया आंसर दोगे. मतलब कुछ लोग सही आंसर देंगे, कुछ लोग गलत देंगे, दैट्स फाइन. देन वी विल टॉक अबाउट हाउ एक्चुअली आपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहिए. बिकॉज देखो आज जो स्टैंडर्ड्स है वो मैं पढ़ा दूंगा आपको, उसका बेसिक नॉलेज मैं वापस से बता रहा हूं, बेसिक नॉलेज मेरे को अभी भी लगता है जेन्युइनली आप जब क्वालिफाई करने के बाद काम करने के लिए जाएंगे आपको ये स्टैंडर्ड्स अपने पास हैंडी रखने पड़ेंगे. आपको बेयर एसेस को रेफर करते रहना पड़ेगा. ऐसे बहुत सिचुएशंस आएंगे तो शायद हम एक क्लासरूम में डिस्कस नहीं कर पाएंगे. विल ट्राई टू डिस्कस लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स बट नॉट ऑल. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट. मतलब इसीलिए मैं बस आपको इतना केपेबल बना सकता है कि यहां से तुम्हारा बेस इतना स्ट्रांग है, इसके बाद कोई नया स्टैंडर्ड भी आया या एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड भी खुद से पढ़ने का है, यू विल बी केपेबल इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट इट सेज. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट. तो मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव बस वही है. हाँ, एग्जाम के लिए तो आप टेंशन ही, मतलब वो सब हो जाएगा, उसका टेंशन छोड़ देना. तो अभी के लिए हमने स्टेप्स में लिखा प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग. लॉजिकली देखो 300 से अगर शुरुआत करते हैं किसके ऊपर आई है, प्लानिंग के ऊपर है. क्या नेक्स्ट सीरीज कहां पर आ रहा है, एग्जीक्यूशन पे आ रहा है पूरा का पूरा. और लास्ट सीरीज किसके ऊपर आ रहा है, रिपोर्टिंग के ऊपर आ रहा है. क्या 800 आपके सिलेबस में नहीं है, भूल जाओ. 800 फाइनल के सिलेबस में भी नहीं है, भूल जाओ. हाँ, निकाल दिया फाइनल के लिए भी निकाल दिया. और नहीं नहीं, नो इनपुट्स रिक्वायर्ड. फाइनल के लिए भी निकाल दिया, मेरे को बहुत बुरा लगा. क्योंकि उल्टा सोचो ना यार, जितना तुमको पढ़ाया, मतलब एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट आइडियली जब यहां से ऊपर जाएगा उसको आगे का पता होना चाहिए. यू कांट से नहीं नहीं सिलेबस में नहीं देखते, मेरे को नहीं पता. देयर इज नो सिलेबस कॉन्सेप्ट वंस यू क्वालिफाई, अंडरस्टैंड दैट. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट. फाइनली किसी ने तो वॉइस रेस किया ऐसा मेरे को लगता है. अब उन्होंने क्या किया मालूम है, क्या इंटरमीडिएट में इंट्रोडक्शन लेके आया, वापस आ गया. समझ रहे मेरा बात, बट इस बार सिर्फ इंट्रोडक्शन है, मतलब डिटेल में नहीं है. ऑनेस्टली उन्होंने सिर्फ एक पेज लिखा है एंड सिर्फ इतने स्टैंडर्ड नहीं है बेटा, ये तो एसेज हैं, बहुत स्टैंडर्ड्स हैं. देयर इज समथिंग कॉल्ड एस ए ईज, स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट, SRS रिलेटेड सर्विसेस, SREs रिव्यू एंगेजमेंट्स. सर हमारे सिलेबस में है क्या इंट्रोडक्शन, एक पेज में उन्होंने बस उनको लिखा हुआ है. मेरे हिसाब से मैं आपको उनका बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग दूंगा. जब सिलेबस में नहीं था तब भी मैं लास्ट डे डिस्कस करता था, अब है तब भी उतना ही डिस्कस करूंगा. दैट विल कवर मेजॉरिटी ऑफ व्हाट आईसीआई वांट्स फ्रॉम यू टिल फाइनल लेवल, डोंट वरी अबाउट. इज दिस क्लियर टू यू? मतलब अभी हमारा फोकस किधर रहेगा, पूरा का पूरा है. सबको बोल दो कहां तक रहेगा सर, 700 तक रहेगा. कहां तक रहेगा, 700 तक. अब लॉजिकली हमने शुरुआत कहां से करना चाहिए, 200 से शुरू करना चाहिए. मतलब पहले बेसिक्स फिर रिपोर्टिंग. अरे हाँ है ना, देखो मेरा बात सुनो वापस से प्लीज. थोड़ा बेसिक पढ़ाऊंगा बट रिपोर्टिंग एंड व्हाई, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली. मैं जब भी कोई भी स्टैंडर्ड पढ़ाऊंगा, 600 पढ़ाऊंगा, 500, 400, 300, इनमें जो भी स्टैंडर्ड पढ़ाऊंगा, हर स्टैंडर्ड में लास्ट में एक बात लिखी होगी, अगर ऐसा नहीं होता है या ऐसा होता है इसका इंपैक्ट अपने ऑडिट रिपोर्ट पे कंसीडर करो. क्या बोलेगा, इसका इंपैक्ट अपने ऑडिट रिपोर्ट पे, और तेरे को ऑडिट रिपोर्ट ही नहीं मालूम है. मतलब फॉर नेक्स्ट ऑलमोस्ट 2 months यू विल कीप थिंकिंग देयर विल बी सम इंपैक्ट, एंड देन वन फाइन डे आई कांट टेल यू वॉट एवर यू स्टडीड दिस इज द इंपैक्ट. प्लीज अंडरस्टैंड इट इज नॉट पॉसिबल. हर स्टैंडर्ड अलग डायरेक्शन में लेके जाता है. बट अल्टीमेटली मेरे को एक बात बता, तूने करना क्या है, रिपोर्ट बना के देने का है. अरे यार बॉटम लाइन क्या है ये मेरे को पता होना चाहिए, उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. तो रिपोर्ट से शुरू करने के पीछे एक ही ऑब्जेक्टिव है, तेरे को ये पता होना चाहिए दैट एज अ ऑडिटर मेरा मेन काम क्या होता है. जब मैं इंडिविजुअली हर स्टैंडर्ड पढ़ूंगा हर जगह मुझे मेरे रिपोर्ट का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. इफ यू हैव दैट ट्रस्ट मी, मैं तुमको 5 दिन बाद में हर स्टैंडर्ड लेके जब जाऊंगा तुम मेरे को लास्ट में बोलोगे हाँ तुमने सही किया, इसका इंपैक्ट लास्ट में रिपोर्ट पे आता है. और वो तुमको स्टैंडर्ड का अंडरस्टैंडिंग भी इसी वजह से आएगा बिकॉज तुम्हें रिपोर्ट मालूम है. मैं क्लियरली बोलता हूँ इस चीज को, और ये कोई मैं आज पढ़ाने का स्ट्रेटेजी नहीं है. मैं डे 1 से ऐसे पढ़ाता हूँ. मेरे को लगता है आदमी को पहले रिपोर्ट आना चाहिए. और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ तेरे को रिपोर्ट में सब कुछ जबरदस्ती आना चाहिए, कुछ चीजें रहेगी जो नहीं आएगी मैं खुद बोलूंगा
ignore this right now, go ahead. We will come back here and I will come back to audit report chapter. Once I'm done with everything, I will come back to audit report chapter. Just to tell you that whatever you have learned over a period of next 30-35 days, now it will make more sense to you. So don't worry about that. Pehle hi disclaimer de raha hoon. Is that clear to you? Pakka? Shuruaat karein. Aur thoda starting mein yaar abhi definition khelte rahenge to bore ho jayega na yaar. Kuch to aisa hona chahiye na jahan lage ki nahi sunna padega. You're understanding my point. Warna tumko lagega ye to kya main hi padh lega na? Feeling to aani chahiye na ideally. Kya tumko thoda sa samajh mein aaya? Acha ek baat aur. तुम्हारे दिमाग में डाउट रहेगा मेरे को मालूम है सर मेरे को ये ऐसे नंबर याद रखना पड़ेगा क्या 300 क्या है 315 क्या है 320 क्या है विल आई हैव टू रिमेंबर द ऐसे नंबर व्हाट डू यू थिंक डू यू नीड टू रिमेंबर द ऐसे नंबर यस यार बट एक बात सोचो एक मिनट शांति से सुनना दो मिनट के लिए प्लानिंग में टोटल मैं बोलता हूं चार ही ऐसे हैं ओनली फोर 300 315 320 330 उसमें से एक तेरे सिलेबस में है ही नहीं 330 बचे कितने अब जब हम प्लानिंग पे डिस्कशन करेंगे ऑलमोस्ट 5 से 7 लेक्चर डिस्कशन होगा तेरे को एटलीस्ट ये तो पता चलेगा ना हम आज किस स्टैंडर्ड पे बात कर रहे हैं तो अगली बार जिंदगी में जब क्वेश्चन देखेगा इतना दिमाग तो लगा सकता ना ये प्लानिंग के ऊपर है तो डिसीजन हम 3 में से लेने का है ऐसा नहीं सोचने का 200 से 700 में से कोई भी हो सकता है समझ में आएगा मेरा बात इसीलिए याद करना ही नहीं है प्लीज अंडरस्टैंड एक एक स्टैंडर्ड पे इतना ज्यादा डिस्कशन हो जाएगा दैट यू विल नो यार प्लानिंग में तो बहुत ही बताया था तो आखिरी में याद रहेगा ये प्लानिंग ही था समझ रहे हो मेरा बात मतलब ऑब्वियसली बिकॉज एवरी स्टैंडर्ड इज सो डिटेल्ड When you discuss so much individually every standard, you will remember the number, yaar. 100%, I bet this. Give me some time. So, tere ko aisa list banane ka koi zarurat nahi hai. Samajh rahe ho mera baat? Last mein kya zarurat padega, main bataunga. Don't worry. Abhi ke liye theek hai. Wo stress nahi lene ka. Notebooks nikalne ka, next heading. Ab thoda hum aage badh rahe hain. Introduction, simple. Matlab khatam ho gaya basically. Mere ko kuch words aate hain. मैं उनका प्रयोग कर लेता है समझ लो क्या मेरा बात नोटबुक्स नेक्स्ट हेडिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑडिटर नोटबुक्स नेक्स्ट हेडिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑडिटर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑडिटर लिखा डिवाइड इन टू पार्ट्स जब भी बोलेगा डिवाइड इन टू पार्ट्स मतलब लिटरली डिवाइड इन टू पार्ट्स ऐसा प्लीज अपने हिसाब से कुछ और ट्राई मत किया करो टू पार्ट्स पहला वाला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सेकेंड वाला सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव अंडर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव राइट डाउन Under primary objective, write down. To express. Under primary objective, write down. To express an opinion on. To express an opinion on financial statements. To express an opinion on financial statements. टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर यह बात तो कल भी लिखा था कल जब ऑडिट डेफिनेशन लिखा था उसमें लास्ट में यही तो बोला था ना अल्टीमेटली क्या करने का ओपिनियन एक्सप्रेस करने का किसके ऊपर यह बात लिखा था या नहीं लिखा था पक्का तो इसमें कुछ नया नहीं है छोड़ दो गो टू सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव अंडर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव राइट डाउन डिटेक्शन एंड करेक्शन अंडर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव राइट डाउन Detection and correction of material misstatements. Detection and correction of material misstatements. Detection and correction of material misstatements. अभी रुको
एक बात बताओ सर, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कल भी आपने थोड़ा समझाया था कि भाई हमको ऑडिट ऑडिट खत्म करने के बाद क्या देने का है, ओपिनियन देने का है, क्या देने का है किसके ऊपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, समझ गए हम सर, मेन काम जो है हमें ओपिनियन देने का है, साइड में करो। मेरा एक क्वेश्चन आपसे, क्या ऑडिटर एक कंपनी में फाइनेंशियल फ्रॉड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? क्या ऑडिटर कंपनी में फाइनेंशियल फ्रॉड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या लगता है तुमको? देखो आंसर तीन हो सकते हैं सर, हां, इफ द आंसर इज येस रेज योर हैंड्स। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक सर ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल फ्रॉड्स इन अ कंपनी? ओके, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक नो सर ऑडिटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, आर्ग्यूमेंट खत्म। अच्छा अभी तीसरा रहेगा डिपेंड्स, ये कौन है डिपेंड्स वाले, जरा शक्ल दिखाओ मेरे को, इनको ही क्वेश्चन पूछने का मेरे को, ये जो डिपेंड्स वाले हैं ना, देखो येस नो वाले ने एटलीस्ट डिसाइड कर लिया मैं सही हूं कि गलत हूं, समझ लोगे मेरे बात, ये डिपेंड वाला, रेज हैंड्स हु सेज डिपेंड्स। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, हाँ खड़ा हो जाओ बेटा, अरे बहुत बात करो, हाँ किस पे डिपेंड करता है, He says, sir, it depends on whether financial statements are audited or not. Good, ये deserve करता है। अरे यार assumption है, मैं बात कर रहा हूं auditor का, auditor का काम क्या है audit करने के अलावा, मतलब obviously उसने audit किया होगा, report बना के दिया होगा, तब control। I hope you are understanding what I am saying. उसने ऑडिट किया उसके बाद ही तो क्वेश्चन आएगा ना, वो रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है। I hope बहुत सारे डिपेंड्स इसमें नहीं थे, कोई और डिपेंड वाला था, कौन है, हाँ इफ द ऑडिटर अगर ऑडिटर अपने रिपोर्ट में बोलता है That actually के अंदर स्कैम्स है तो वो रिस्पॉन्सिबल है, तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अगर रिपोर्ट नहीं करता तो रिस्पॉन्सिबल है। हाँ मैं वही तो पूछ रहा हूं ना, तो फॉर एग्जाम्पल कंपनी में फाइनेंशियल फ्रॉड्स है, फॉर एग्जाम्पल अज्यूम अ सिचुएशन, ऑडिटर ने अपने रिपोर्ट में नहीं दिया तो क्या वो रिस्पॉन्सिबल है, क्या वो रिस्पॉन्सिबल है? मैं बोल रहा हूं, चलो तुम मेरे को एग्जाम क्वेश्चन देता हूं, तुम वैसे समझते हो मेरे को मालूम है, आफ्टर The statutory audit. I hope you know what is statutory audit. After the statutory audit has been completed, a financial fraud was detected in the organization. Is the auditor responsible for the fraud? After the statutory audit has been completed, a financial fraud has been detected in the organization. Is the auditor responsible for the fraud? Ha ya na? अभी भी डिपेंड चल रहा है तुम्हारा? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक नाउ सर ही इज रिस्पॉन्सिबल, रेज योर हैंड्स वंस अगेन। सर हाँ, फ्रॉड मिला है, ऑडिट खत्म हुआ है, उसने रिपोर्ट में नहीं बताया है कि फ्रॉड है तो वो रिस्पॉन्सिबल है ना? अच्छा सुनो मेरा बात, क्या इफ क्या नहीं किया उसने, उसने डिटेल्स प्रोवाइड नहीं किए, ऑडिटर ने प्रोवाइड नहीं किए या कंपनी ने ऑडिटर को प्रोवाइड नहीं किए? अच्छा तो आर यू ट्राइंग टू से जब कंपनी फ्रॉड करता है तो ऑडिटर को बताता है? आई एम आस्किंग यू ए क्वेश्चन, मतलब आर यू एक्सपेक्टिंग दैट? व्हाई एम आई डूइंग ऑल दिस, प्लीज आई एम नॉट ट्राइंग टू एंटरटेन माई सेल्फ, आई एम ट्राइंग टू मेक यू रियलाइज दैट आप लोग इतना जनरल लैंग्वेज में सोचते हो और जो एक्सपेक्टेशन है वो इतना टेक्निकल लैंग्वेज में है इस सब्जेक्ट के अंदर, तुमको वो गैप दिखाना है मुझे बार बार ताकि तुमको थोड़ा सीरियसनेस आए। बिकॉज एक बात बोलता हूँ सच्ची में, बहुत सारा लोग ये आर्ग्यूमेंट करता है दैट सर ICAI मार्क्स नहीं देता है, मेरे को किसी का साइड नहीं लेने का है। एक बात बोलता है, समटाइम्स अ स्टूडेंट ऑल्सो डजेंट रियलाइज व्हाट दे आर राइटिंग, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, लैंग्वेज इज लिटिल जनरल, So don't have that preconceived notion
आपको वो थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज डेवलप करना पड़ेगा. आई एम नॉट सेइंग आपको पूरा कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट. अभी फॉर एग्जाम्पल एक बात सुनो, मैंने एक वर्ड लिखा है तुमको, क्या वर्ड लिखा है? मटीरियल मिसस्टेटमेंट. एक वर्ड लिखा है कि नहीं लिखा है? और ब्रैकेट्स में खुद लिखा है मैंने वर्ड. क्या लिखा है? फ्रॉड्स एंड एरर्स. लिखा कि नहीं लिखा है? ये लिखा है तुमको मैंने अभी तक, क्योंकि वो वर्ड का रेलेवेंस है. वो वर्ड से पूरा रिपोर्ट बदलता है. मैं मजाक नहीं कर रहा. आई विल एक्सप्लेन यू द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड. एंड मेजोरिटी पीपल डोंट इवन अंडरस्टैंड द वर्ड. एंड इफ दे डोंट अंडरस्टैंड द वर्ड, दे कांट अंडरस्टैंड द इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट. दिस वर्ड चेंजेस द रिपोर्ट. आई एम सेइंग दिस. गिव मी 3 डेज, आई विल प्रूव इट टू यू. बाय द एंड ऑफ ट्यूजडे वी वुड हैव सीन सो मेनी ऑडिट रिपोर्ट्स एंड यू विल रियलाइज, हाँ, एक वर्ड से कितना बदलाव एक कंपनी के रिपोर्ट में आ सकता है. सब लिस्टेड कंपनी से बात कर रहा हूं मैं. यू विल रियलाइज दैट. तो मैं आपको यही समझा रहा हूं कि आपको ऐसा लग रहा होगा यार जनरल लैंग्वेज है, क्या फर्क पड़ने वाला है इससे. नहीं, ये वो पूरा पैसा इसका ही है. द लैंग्वेज अल्टीमेटली रिपोर्ट में बोलना क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल है कि नहीं है. सिंपल शब्दों में बोल सकता हूं, हाँ रिलायबल है, नहीं नहीं है. एवरी वन विल अंडरस्टैंड, बट दैट इज नॉट वॉट आई वॉन्ट. प्लीज अंडरस्टैंड हाउ इंडस्ट्रीज आर क्रिएटेड. थिंक लाइक दिस. एंड देर इज लॉट ऑफ मतलब टेक्निकल एस्पेक्ट्स विच आर डेवलप्ड, उसके बेसिस पे लैंग्वेज बनाए. मतलब अगर तुम अकाउंटिंग टेक्निकल नहीं बना था, समझ लो मैं, तो ऑडिटिंग भी टेक्निकल नहीं होता. अगर तुम तुम्हारे हिसाब से अकाउंटिंग कर लो तो फिर ऑडिटिंग का जरूरत ही नहीं है ना. हम चेक करने के लिए आई क्यों रहे हैं कि तुम सही काम कर रहे कि नहीं कर रहे? सही के लिए हम स्टैंडर्ड बना रहे हैं, तो चेक करने के लिए भी स्टैंडर्ड बनाएंगे. सुनना मेरा बात, इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं है. ये क्वेश्चन का आंसर तुम्हें खोजने का नेक्स्ट 30 डेज में. ये बहुत स्टूपिडो का बोलना ऑडिटर इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल. ये बहुत स्टूपिडो का बोलना ऑडिटर इज नेवर रिस्पॉन्सिबल. यस, ऑडिटर कैन बी रिस्पॉन्सिबल, डिपेंड्स इज द आंसर. बट इट डिपेंड्स ऑन वॉट? इट डिपेंड्स ऑन अ सिंपल सिंपल प्रिमाइस, अ सिंपल अजम्पशन. क्या ऑडिटर ने अपना ऑडिट करते वक्त जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी चाहिए एज पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, एज पर कंपनीज एक्ट 2013, एज पर गाइडेंस नोट्स होता है कुछ जो सब ऑडिटर के लिए रेलेवेंट है, अगर ये सब उसने रिस्पॉन्सिबली एक्सेप्ट करते हुए अप्लाई करते हुए अच्छे से काम किया है और ढंग से रिपोर्ट बना के दिया है, फिर भी उसको फ्रॉड नहीं मिला, तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है वो. आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट. बट इसके लिए मेरे को टाइप्स ऑफ फ्रॉड समझना पड़ेगा, वो थिन लाइन समझना पड़ेगा, कब वो रिस्पॉन्सिबल होगा कब वो नहीं होगा. उसके लिए मेरे को सारा स्टैंडर्ड समझना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा ये स्टैंडर्ड मुझे एक्चुअली में फ्रॉड ढूंढने में हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है. पर एक बात सोचो, सिर्फ एक बात सोचो, आपने बोला मैंने ओपिनियन देना है, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ओपिनियन देना है. किस पे ओपिनियन देना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे. क्लियर है कि नहीं है? आपका ओपिनियन क्या होगा? मतलब टाइप्स ऑफ ओपिनियन पे जा नहीं रहा हूं मैं, इन जनरल ओपिनियन क्या होगा? रिलायबल है या नहीं है? टेक्निकल टर्म नहीं बताया मैंने आपको, बट जनरल शब्दों में क्या आपका ओपिनियन रहेगा, रिलायबल है या नहीं है? रिलायबल कब होगा? जब मैं बोलूंगा गलतियां नहीं है. रिलायबल कब नहीं होगा? जब मैं बोलूंगा गलतियां हैं. अरे हाँ या ना? सो डोंट यू थिंक विदाउट अचीविंग सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव यू कांट अचीव प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? थिंक व्हाट आई सेड. विदाउट अचीविंग सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव यू कांट अचीव प्राइमरी ऑब्जेक्टिव. मतलब जब तक आप ये श्योर नहीं हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियां है या नहीं है, मैं ओपिनियन कैसे दे सकता हूं? बोलने के लिए लोग बोलते हैं मेरा काम ओपिनियन देना है, गलतियां ढूंढना नहीं है, बट उस पे ही मेरा ओपिनियन डिपेंडेंट होता है. माय ओपिनियन विल चेंज ऑन द बेसिस ऑफ दिस वर्ड. यू सी ये वर्ड मटीरियल मिसस्टेटमेंट, इसी को डिस्कस करेंगे अभी. ये वर्ड की वजह से मेरा ओपिनियन बदलता है. तो अगर मैंने सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं किया ना यार, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो सकता है. थोड़ा बात समझ में आया क्या? पक्का? तो सर अभी तक वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया आपने, क्या फ्रॉड के लिए ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है? यू हैव टू वेट फॉर वन स्टैंडर्ड, ऐसे 240 फ्रॉड्स के ऊपर एक स्टैंडर्ड बना के दिया उन्होंने अच्छा खासा डिटेल में. टाइप्स ऑफ फ्रॉड से शुरू होगा, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स आएगा, तेरा नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फ्रॉड मिला तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिपोर्ट में कैसे इंपैक्ट आएगा, किसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, एवरीथिंग विल बी अंडर वन सिंगल स्टैंडर्ड. वंस वी रीड दैट, देन आई एम श्योर यू विल हैव दिस आंसर. थोड़ा बात समझा क्या? बस आपको ये बताने का, यहां पर ना कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं होता, ध्यान रखना. बट इसका मतलब ये नहीं है मेरे हर अगले क्वेश्चन का आंसर डिपेंड्स देना. मतलब ऐसा मत करना प्लीज, कहीं ना कहीं तो तुम बताना तुम्हारे को क्या सही लगता है. अभी के लिए कम बैक टू ऑब्जेक्टिव्स.
प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या लिखा आपने, हमें ओपिनियन देना है। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या लिखा, डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग, मतलब डिटेक्शन एंड करेक्ट। सर प्रिवेंशन क्यों नहीं आया? नॉर्मली हम इंग्लिश में देखते ना प्रिवेंशन डिटेक्शन करेक्शन साथ साथ चलता है ना ऐसा, मेरा जोक का लेवल यही है मैं तुमको बता रहा है। प्रिवेंशन क्यों नहीं आया इधर? क्या ऑडिटर गलतियों को प्रिवेंट नहीं कर सकता है? बिकॉज ऑडिटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। याद आया क्या? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेपरेशन? तो वो ध्यान रखने का काम किसका है? मेरा काम है गलती ढूंढने का एंड करेक्ट करवाने का। तुम नहीं बोलने का, मैं तुम्हें गलती जब मिलेगी वो करेक्ट कैसे करवाते हैं इसके ऊपर भी डिस्कशन होगा। देर इज अ स्टैंडर्ड ऑन दैट ऑल्सो, यू हैव टू वेट फॉर इट। क्या थोड़ा बात समझ में आया क्या? सर अब मेरा एक ही प्रॉब्लम है, ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या, प्लीज खत्म कर दो ना इसको यार। करें डिस्कस इस वर्ड को, पक्का? चलो ये वर्ड अभी कहां डिफाइंड है बोलता हूं। एक स्टैंडर्ड है 450। जो आपने बोला सर मेरे सिलेबस में कुछ स्टैंडर्ड्स नहीं है, 450 आपके सिलेबस में नहीं है हा? पर सोचो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? आई होप मैं ताना नहीं मार रहा हूं, मतलब है ऐसा, बट इधर आओ इधर आओ इधर आओ, बहुत मजा आएगा। आपके अगर आपने मॉड्यूल्स कलेक्ट कर लिए हैं तो फर्स्ट मॉड्यूल में 1B.46। अच्छा एक बात, अगर आप ऑडिट मॉड्यूल कलेक्ट कर लो सिर्फ फर्स्ट मॉड्यूल क्लास में लेके आओगे, सेकंड मॉड्यूल Q&A मॉड्यूल का कोई जरूरत नहीं है। जब जरूरत होगा मैं आपको बता दूंगा। जब आप कलेक्ट करेंगे यू कैन स्टार्ट कलेक्टिंग इट इन द इवनिंग, यू हैव टू गेट ओनली वन मॉड्यूल विच फर्स्ट, पहले 25 दिन वही काम में आएगा। ठीक है इधर आओ, ये डेफिनेशन मेरे साथ देखना, मजेदार डेफिनेशन है। एक बार जरा पढ़ो क्या बोलता है मिसस्टेटमेंट का डेफिनेशन। Anyone who wants to try, क्या है ये? क्या तो जो एक्सपेक्टेड है और जो उन्होंने रिपोर्ट किया या प्रेजेंट किया वो अलग है। बहुत टेक्निकल है, तुम्हारे सबसे मत सोचो फालतू का कुछ भी। एवरीवन लिसन टू मी केयरफुली, हम ऐसा करेंगे ऐसे काफी डेफिनेशंस आएंगे, जब आपको एक बार रीड करने के लिए बोलूंगा आपको डिसार्टन नहीं होना है, ट्राई करना है एक बार, स्लोली स्लोली आप बिल्ड करेंगे उस चीज को। बहुत सिंपल है, कुछ लोग को शायद समझेगा, कुछ लोग को सुनने के बाद समझेगा, ढंग से सुनना। Look at the word misstatement. Material word को भूल जाओ अभी। किस word को भूल जाओ? Focus किस word के ऊपर? Misstatement. Misstatement का मतलब क्या है? Something which is wrongly stated. कुछ गलत तरीके से आपने state किया है। समझ रहे हो मेरा बात? अब इसका audit के अंदर मतलब क्या है? एक बात बताओ। हमें as a company accounting कैसे करना चाहिए? As per AS या as per Ind AS करना चाहिए? अरे ठीक बात है कि नहीं है? क्या मुझे AS या Ind AS बताएगा ना कि भाई अकाउंटिंग एंट्री कैसे पास करने का है, क्लासिफिकेशन कैसे करने का है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर सुना होगा आपने, ये प्रॉपर्टी प्लान एंड डॉक्यूमेंट पीपी पढ़ाया होगा आपको, पढ़ाया क्या? पक्का? बॉटम लाइन सुनो ढंग से, मतलब अकाउंटिंग कैसे करने का है, क्लासिफिकेशन कैसे करना है, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर कैसे करना है शेड्यूल 3, और हर AS के लास्ट में डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। सुना है क्या आपने ऐसा? पक्का? मतलब सर सिंपल है,
देर आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड देर इज शेड्यूल थ्री जो आपको बोलता है कि आपने अकाउंटिंग कैसे करना है, क्लासिफिकेशन कैसे करना है, डिस्क्लोजर कैसे करना है. अब अगर मान लो मैं बोलता हूं जो एएस या इंड एएस या शेड्यूल थ्री बोलता है वैसा आपने नहीं किया है, मतलब सुनो ढंग से, वॉट एवर माई एएस और इंड एएस और अलोंग विद दैट शेड्यूल थ्री जिस तरीके से अकाउंट करने के लिए बोलता है, क्लासिफाई करने के लिए बोलता है, डिस्क्लोज करने के, इसको हम वर्ड यूज करेंगे प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, पी एंड डी बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट. जैसे मुझे एएस इंड एएस या शेड्यूल थ्री अकाउंट करने को बोलता है, क्लासिफाई करने को बोलता है, प्रेजेंट या डिस्क्लोज करने को बोलता है, अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं, मतलब जो मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते वक्त अकाउंट किया है, लेट्स से दैट इज एक्स, इसने मुझे बोला वाई, क्लासिफाई करने के लिए बोला अंडर पी, मैंने किया क्यू. समझा क्या मेरा बात? इज देयर अ डिफरेंस? यस, दिस डिफरेंस इज नथिंग बट मिसस्टेटमेंट. मतलब सिंपल चीज है यार, इधर ऑडिटर ने क्या करने का है, ये देखने का है, इन्होंने अकाउंटिंग किया लीजेस का अकाउंटिंग, क्या इन्होंने एज पर एएस और इंडेस किया, क्या इन्होंने रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर दिया, क्या एज पर एएस और इंडेस दिया या नहीं दिया, इन्होंने बैलेंस शीट और पीएनएल में करंट एसेट नॉन करंट एसेट को क्लासिफाई करके डिस्क्लोज करके दिखाया, क्या वो एज पर शेड्यूल थ्री दिखाया कि नहीं दिखाया, बात समझ में आया क्या? तो जैसे अकाउंटिंग होना चाहिए, जैसे क्लासिफिकेशन होना चाहिए, जैसा प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर होना चाहिए, अगर मैं बोलता हूं वैसा नहीं हुआ है कंपनी ने अकाउंटिंग करते वक्त, तो ये जो डिफरेंस है, कैन आई कॉल दैट एज अ मिसस्टेटमेंट? यस. मिसस्टेटमेंट मतलब जैसा आपको बोला गया था आपने वैसा नहीं किया है. अब बात समझ में आया क्या? नोटबुक में जाओ, नीचे लिखो नोट नंबर वन. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हो गया, अंडर दैट नोट नंबर वन, डेफिनेशन ऑफ मिसस्टेटमेंट. डेफिनेशन ऑफ मिसस्टेटमेंट डैश करके लिखो. Difference between amount, difference between amount, comma, classification, and presentation or disclosure. Difference between amount, classification and presentation or disclosure of a reported financial item, of a reported financial statement item, a reported financial statement item, brackets mein likho, reported financial statement item, brackets mein likho, that is as accounted in books of accounts, that is as accounted in books of accounts, brackets close, and continue karo, and required for the item, and required for the item to be in accordance, required for the item to be in accordance of applicable financial reporting framework, in accordance with applicable financial reporting framework, in accordance with applicable financial reporting framework, brackets mein likho, applicable financial reporting framework, brackets mein likho, that is requirement as per AS/IND AS, requirement as per
that is requirement as per AS/IND AS and schedule 3. Requirement as per AS/IND AS and schedule 3. शांति से सुनो मेरा बात. तुमने क्या लिखा है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट टू थिंग्स. नंबर वन, आपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते वक्त अमाउंट रिकॉर्ड किया है, आपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते वक्त क्लासिफिकेशन किया है, आपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते वक्त प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर दिया है, इसको अगर मैं कंपेयर करूं किससे? एप्लीकेबल FRF से. एक वर्ड है, क्या वर्ड है? एप्लीकेबल FRF. क्या होता है समझाऊंगा. अभी के लिए अज्यूम कर लो ये मेरे लिए क्या है, नथिंग बट AS/IND AS प्लस शेड्यूल 3. मतलब जो मुझे AS बोलता है, या अगर मेरे लिए एप्लीकेबल IND AS जो मुझे वो बोलता है, या जो शेड्यूल 3 डिस्क्लोज करने के लिए बोलता है, अगर वैसा मैं कंपेयर करूं जो मैंने किया है उससे, और अगर मेरे को डिफरेंस दिखता है, इज दैट डिफरेंस अ मिसस्टेटमेंट? यस. मतलब सिंपल है यार, एज अ ऑडिटर चेक क्या करने का है, तुमने अकाउंटिंग करते वक्त जो एप्लीकेबल AS है उसको इज्जत से फॉलो किया है क्या, या तुम्हारे लिए AS नहीं IND AS एप्लीकेबल है उसको इज्जत से फॉलो किया है क्या? नहीं. तुमने डिस्क्लोजर में गलती की है, तुमने AS IND AS का प्रॉब्लम नहीं है, शेड्यूल 3 के हिसाब से डिस्क्लोजर नहीं दिया है. समझ में आया क्या मेरा बात? तो मैं उस गलती को क्या बोलूंगा? मिस स्टेटमेंट बोलूंगा. क्या बोलूंगा? बात समझ में आया क्या? ब्रैकेट्स में मैंने आपको जानबूझ के लिखा है कि भाई पहले केस में मैंने ऐसे अकाउंटिंग किया है, दूसरे केस में ऐसा रिक्वायरमेंट है. किसका रिक्वायरमेंट है? AS और IND AS का विद शेड्यूल 3. क्या आपको सेंटेंस समझ में आया क्या? पक्का फुल स्टॉप करके ब्रैकेट्स में लिखो, सच डिफरेंस इज टर्म्ड एज मिसस्टेटमेंट. सच डिफरेंस इज टर्म्ड एज मिसस्टेटमेंट. सच डिफरेंस इज टर्म्ड एज मिसस्टेटमेंट. Such difference is termed as misstatement. सर यार एक बात बताओ, ये क्या है? What is applicable FRF? थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं डिटेल में, वापस बहुत बाद में आएगा, थोड़ा डिस्कशन जरूरी है, ये वर्ड बार बार आने वाला है. फुल फॉर्म देखो FRF का क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. क्या फुल फॉर्म है? फाइनेंशियल, ढंग से सुनना, फैंसी वर्ड है बस ये, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को बनाकर के प्रेजेंट करने का फ्रेमवर्क. फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करके प्रेजेंट करने का फ्रेमवर्क. फ्रेमवर्क मतलब आपको एक गाइडलाइन या मैकेनिज्म दिया हुआ है. अरे भाई ये कुछ और नहीं है, AS और IND AS ही है. वही बताएगा ना अकाउंटिंग कैसे करने का है, शेड्यूल 3 बताएगा ना फाइनली रिपोर्ट्स कैसे बनाने का है. मतलब व्हेनेवर वी यूज द वर्ड FRF, वी आर टॉकिंग अबाउट द रेलेवेंट गैप. जब भी हम बोलते हैं FRF, मतलब ब्रेक कर दो, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को बना करके प्रेजेंट करने का फ्रेमवर्क, मतलब आपको आपके कंट्री के हिसाब से कैसे अकाउंटिंग करने का है और कैसे प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर करने का है, वो आपके लिए क्या हो गया? FRF हो गया. वो आपके लिए क्या हो गया? और मैंने क्या वर्ड यूज किया? एप्लीकेबल FRF. क्या वर्ड यूज किया? तो सर अभी इंडिया में कौन सा गैप एप्लीकेबल है? इंडियन गैप. यूएस में यूएस गैप रहेगा. अरे हाँ यार, तो उनके पास भी अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रहेगा, बट उसका मैकेनिज्म अलग रहेगा ना यार, वो इन्वेंटरी वैल्यूएशन का तरीका अलग बताएगा. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट. पीपीई में कुछ चीज इंक्लूड करेगा, कुछ चीज इंक्लूड नहीं करेगा, वो उसके इकोनॉमी के हिसाब से रहेगा. समझा क्या मेरा बात? फाइनल में पढ़ाएंगे तुमको डिफरेंस बिटवीन इंडियन गैप एंड यूएस गैप, थोड़ा ये हमारे सिलेबस में भी था. पॉइंट समझो शांति से. सर ये गैप बोल दो या FRF बोल दो, अल्टीमेटली किधर जा रहा है मेरे लिए? AS/IND AS प्लस शेड्यूल. प्लीज इस वर्ड से डरना बंद कर दो अभी. एटलीस्ट AS क्या है जिंदगी में पता है तुमको, पक्का. अज्यूम करो IND AS भी वही है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमको IND AS पता ही नहीं है. ऐसा मान के चलो उन AS को ही अडेप्ट करके, इंप्रूव करके नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए. मैं आपको बताया भी IFRS से कौन से बोरो करके, समझ रहे हो मेरा बात? फिर शेड्यूल 3 तुमको ऑलरेडी मालूम है, कुछ तो मालूम है शेड्यूल 3 है ये तो मालूम है. अग्री करते कि नहीं करते? क्या तुमको एप्लीकेबल FRF थोड़ा समझ में आया क्या? मिसस्टेटमेंट वर्ड थोड़ा समझ में आया क्या? अब शांति से डेफिनेशन पढ़ो, मिसस्टेटमेंट वर्ड क्लियर है क्या? मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं पढ़ा है, क्या पढ़ाया? मिसस्टेटमेंट पढ़ाया. ध्यान रखना मेरा बात अभी भी, इट इज अ डेफिनेशन ऑफ द वर्ड मिसस्टेटमेंट. शांति से पढ़ो डेफिनेशन. आर यू कंफर्टेबल विद दैट डेफिनेशन? नाउ
बिना पढ़े डायरेक्टली यस थोड़ा समझ में आया क्या? तो डरो मत, बहुत गलतियों के बारे में डिस्कशन होगा आगे, योर अंडरस्टैंडिंग विल इवॉल्व, बेसिक मीनिंग तो क्लियर होगा पक्का पक्का। आगे बढ़ जाऊं कंफर्म। अब एक बात सोचो, तुम्हारे हिसाब से ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होगा? देखो मिसस्टेटमेंट समझा हमको, मटेरियल का मतलब क्या होता है? एक कॉस्टली वाला मटेरियल तुमको मालूम है ये चीज, मटेरियल मतलब सिग्निफिकेंट इधर, अरे मटेरियल मतलब सिग्निफिकेंट इधर, ठीक है कि नहीं? आइडियली तो तुम्हारे हिसाब से मटेरियल स्टेटमेंट क्या होगा? ये आसान है, तुम बता सकते हो मेरे को, विच इज क्रिएटिंग बिग डिफरेंस, विच कैन इंपैक्ट डिसीजन मेकिंग। नॉट बैड, यू आर थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन। हाँ, इंपैक्ट द डिसीजन मेकिंग ऑफ माय यूजर्स, ओके नॉट बैड, एक्सटर्नल यूजर्स, ठीक है, यू गाइस आर राइट, सिंपल है यार, सही बोल रहे हो तुम लोग। सिर्फ सोचो एक बार के लिए, बाकी लोग जो नहीं सोच रहे थे, एज अ ऑडिटर मैं किसके लिए एग्जिस्ट करता है? यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। अगर मुझे लगता है कोई भी ऐसी गलती है जो मेरे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंपैक्ट कर सकती है, किसको? यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगी? मटीरियल। मतलब ये ऑडिटर का जजमेंट है, ये क्या है ऑडिटर का, कि अब भाई ये गलती जो है ना, क्या ये मेरे यूजर को इंपैक्ट करेगी? अगर हां तो ये मुझे भी इंपैक्ट करेगी। मतलब मटेरियल है या नहीं, ये डिपेंडेंट किसके ऊपर है? ऑडिटर के जजमेंट के ऊपर है। हालांकि मटेरियलिटी, मटेरियल कब होता है और कब नहीं होता है, इसके ऊपर भी एक स्टैंडर्ड है, एसए 320 पूरा स्टैंडर्ड ही मटेरियलिटी पे, समझ रहे हो मेरा बात? बट बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो यही है, क्या इसका इंपैक्ट मेरे यूजर के डिसीजन पे आएगा या नहीं आएगा। एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक कंपनी है सर, दिमाग लगाना, उसका ऑडिट कर रहे हो, एक्स वाई जेड, डूइंग द ऑडिट ऑफ एक्स वाई जेड। अब थोड़ा अप्लाई करने का ट्राई करते हैं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। आपको ऑडिट करते हुए पता चला इस कंपनी में टिश्यू पेपर बॉक्स इशू करने का कोई प्रोसेस नहीं है, देयर इज अ स्टेशनरी डिपार्टमेंट, स्टेशनरी डिपार्टमेंट एंड इन अ कंपनी सर, कोई भी एम्प्लॉय को अगर स्टेशनरी या टिश्यू पेपर बॉक्स जो भी इशू करवाना होता है, सिंपल एक प्रोसेस है, एक होता ना स्लिप वाला ऐसा, उस पर लिखा, आपके सीनियर विनियर का अप्रूवल का जरूरत नहीं, आप लिखो स्लिप को, स्टेशनरी डिपार्टमेंट में जाओ, अपना एम्प्लॉय आईडी लिखो, दे दो और बॉक्स लेके आ जाओ, समझ रहे हो मेरा बात? और जब अप्रूवल का प्रोसेस था तो आप क्वांटिटी लिखो, वन लिखा, आगे जीरो ऐड कर दो या दो जीरो ऐड कर दो, मतलब स्टूपिड है बट ऐसा मिलेगा आपको। कंपनीज में प्रोसेसेस बहुत सारे होते हैं, ये प्रोसेस कंपनी में ढंग से एग्जिस्ट नहीं करता है। एज अ ऑडिटर मेरे को ये गलती मिली, इज इट मटीरियल, इज इट मटीरियल? नहीं लग रहा आपको मटीरियल? पक्का? हाँ यार, कितना भी छोटा कंपनी हो जाए, मतलब आई थिंक दिस सीम्स इमटीरियल, यू आर डिसाइडिंग प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट, राइट? पक्का? अब अगला सुनना एवरीवन, आई वांट योर अटेंशन नाउ। कंपनी एक्स वाई जेड एक ऐसा सिचुएशन है जो आगे बहुत जगह पर रिलेट होगा, ढंग से सुनना इसीलिए। अब पूना बेस्ड कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में स्पिंडल्स बनते हैं स्पिनिंग के लिए, उस चीज का, ठीक है। कंपनी का पोजीशन खराब था, दिस वाज अक्वायर्ड बाय लेट्स से अ स्विस कंपनी, बाहर की कंपनी ने इसको अक्वायर कर लिया, पीक्यूआर ने अक्वायर किया एक्स वाई जेड को, ठीक है। जब बाहर की कंपनी ने एक इंडिया की कंपनी को अक्वायर किया, उसने क्या बोला? मेरे हिसाब से देयर इज अ मिसमैनेजमेंट एट ऑल लेवल्स, टॉप मैनेजमेंट भी चेंज करने का है एंड जितने भी स्किल्ड अनस्किल्ड लेबरर्स हैं मुझे उन्हें भी रिप्लेस करने का है। पर ये कंपनी का ऑलरेडी हिस्ट्री था लास्ट 20 साल का अप्रॉक्सीमेटली, जहां पर एग्जिस्ट करता है वो आसपास के मेजोरिटी जो लोग थे वो इसी कंपनी में काम करते थे, बट जिस कंपनी ने एक्वायर किया उसने डिसीजन लिया दैट आई डोंट वॉन्ट
existing people to continue. Have you heard a concept of retrenchment compensation? सुना है आपने ऐसा? तो अगर मुझे अभी किसी को एग्जिट करवाने का है, मुझे कॉम्पनसेशन तो देना पड़ेगा ना यार आइडियली. तो लेट्स से PQR ने आफ्टर टेकिंग ओवर XYZ रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन डिक्लेयर किया. लेट्स से 10 CR का. कितने का? 10 CR का. बहुत पुराना स्टोरी, दिस इज 2008 व्हेन आई स्टार्टेड माय आर्टिकलशिप. ठीक है, जो अभी कंपनी के एम्प्लॉइज थे उन्होंने बोला ठीक है, यू डोंट वॉन्ट टू कंटिन्यू विद अस, इट्स योर चॉइस, पर हमें कॉम्पनसेशन हमारे हिसाब से चाहिए. उन्होंने कॉम्पनसेशन डिमांड किया 22 CR का. इज देयर अ गैप बिटवीन व्हाट इज ऑफर्ड एंड व्हाट इज आस्क्ड फॉर? ये 10 बोल रहे हैं और वो कितना मांग रहे हैं? अब अज्यूम करो सिचुएशन, दिस हैपेंस इन द मिडल ऑफ द ईयर. अब इन्होंने ऑब्वियसली अपना लेबर यूनियन के थ्रू ऑपरेशंस को रोक दिया, आपका मैन्युफैक्चरिंग बंद हो चुका है, एंड देयर इज अ स्ट्राइक और हड़ताल इन द एंटायर प्रीमाइसेस. इट रीच द लेवल वेयर द मैनेजमेंट ऑफ PQR वाज नॉट अलाउड टू एंटर. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट, बिकॉज मैनेजमेंट वाज नॉट स्टेइंग देयर. नाउ दे वर नॉट अलाउड टू एंटर. अज्यूम, अब हमको स्टोरी से फर्क नहीं पड़ता है, हम सोचते हैं ऑडिटर और अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से. दिस हैपेंस इन फेब. विल देयर बी अ मार्च एंडिंग? अरे मार्च एंडिंग आएगा कि नहीं आएगा, मेरे को इसका अकाउंटिंग इंपैक्ट समझाओ. विल देयर बी अ इंपैक्ट इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स? डिमांड 22 करोड़ का है, ऑफर 10 करोड़ का है. देयर इज अ लीगल केस आउटस्टैंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ, बोथ द पार्टीज, उनका नंबर तुम्हारे सामने है. विल देयर बी अ इंपैक्ट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स? Will there be any impact in books of accounts? This happens in Feb. There is a legal case outstanding before 31st March. अगर हाँ तो क्या impact आएगा बोलो? Contingent liability आएगा. कितने का? 12 करोड़ का. Provision नहीं आएगा. Provision नहीं आएगा. सर हमको AS 29 नहीं पढ़ाया है, एक AS है बताया क्या तुमको? प्रोविजन कंटिजेंट लाइबिलिटीज एंड कंटिजेंट एसेट्स, इसके ऊपर एक AS है. ग्रुप वन में नहीं था क्या तुम्हारे पास में? कोई बात नहीं, इट्स ओके, यूज योर ब्रेन, यू विल गेट टू लर्न द डेफिनेशन एंड द एप्लीकेशन, डोंट वरी. तुम्हारे हिसाब से बताओ, प्रोविजन आना चाहिए, कंटिजेंट लाइबिलिटी आना चाहिए, कुछ भी नहीं आना चाहिए? दोनों आने चाहिए. कंटिजेंट लाइबिलिटी आना चाहिए सिर्फ. अरे एक बात बताओ यार, केस आउटस्टैंडिंग है, कंपनी के मैनेजमेंट ने खुद बोला 10 करोड़ ऑफर दिया है, तो मिनिमम 10 CR का प्रोविजन तो आएगा ना यार, मतलब ये तो कंफर्म है जाने वाला है बाहर, दैट आउटफ्लो इज कंफर्म. यू हैव प्रॉमिस्ड मिनिमम 10 CR, उतने का प्रोविजन तो आना ही चाहिए ना बेयर मिनिमम. हाँ, द क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट बिटवीन 10 to 22? ये जो बीच का 12 CR उसका क्या करने का है, राइट? इसके ऊपर मैनेजमेंट का आर्ग्यूमेंट हो सकता है. मैनेजमेंट बोलता है आई नो हमने जो ऑफर किया दैट इज मोर देन इनफ इन दिस इंडस्ट्री, हमारे सबसे इसके बियॉन्ड कोई और इंपैक्ट नहीं आएगा, हम एक केस जीतेंगे, 10 का ही लाइबिलिटी आएगा, वी विल मेक अ प्रोविजन ऑफ ओनली 10. ऑडिटर क्या बोलेगा? ठीक है, 12 करोड़ को कंटिजेंट लाइबिलिटी के फॉर्म में नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज तो करना चाहिए. ये एक लॉजिकल सिचुएशन है यार, इट्स अ इंपॉर्टेंट सिचुएशन. अगर मैं बोलता हूं लॉस मेकिंग कंपनी है, आपका प्रीमाइसेस के अंदर करंटली ऑपरेशंस को हॉल्ट कर दिया गया है, अरे इसका गोइंग कंसर्न पे भी इशू आ सकता है ना. क्या वर्ड गोइंग कंसर्न? मतलब दैट स्ट्रेस इज ऑल्सो देयर. डोंट यू थिंक ये चीज रिपोर्ट होनी चाहिए नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर? अगर मैं बोलता हूं कंपनी का मैनेजमेंट ना तो प्रोविजन बनाता है ना रिपोर्ट करता है नोट्स टू अकाउंट्स में, इज दिस अ मिसस्टेटमेंट? क्वेश्चन. अगर कंपनी ना तो इसको डिस्क्लोज करता है और ना ही इसका अकाउंटिंग करता है एज अ प्रोविजन, इज दिस अ मिसस्टेटमेंट? क्योंकि AS 29 बोलता है ऐसा आपको प्रोविजन बनाना चाहिए और ऐसा डिस्क्लोजर देना चाहिए, आप ऐसा नहीं कर रहे हो, क्या ये मिसस्टेटमेंट के डेफिनेशन में आ रहा है क्या? सर एक बात बताओ ना, इज इट साउंडिंग मटीरियल टू यू? इज इट साउंडिंग मटीरियल टू यू? आई एम नॉट सेइंग तुमको एग्जैक्टली प्रूव करने का है, रिमेंबर मटीरियल है कि नहीं किस पे डिपेंडेंट है? जजमेंट के ऊपर. बट आपको सिचुएशन बाय सिचुएशन अंडरस्टैंडिंग अपना इवॉल्व करना पड़ेगा. कोई आपको बुक के अंदर ये लिखवा के 10 स्टेप नहीं दे सकता है, ये टिक कर दिया तो मटीरियल है, नहीं हुआ तो
पर आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना पड़ेगा. क्या दो सिचुएशन समझ में आया क्या? नोटबुक्स में जाओ, लिखो नोट नंबर टू. इफ इन नोट नंबर टू मिसस्टेटमेंट डेफिनेशन वॉज नोट नंबर वन. नोट नंबर टू, इफ इन ऑडिटर्स जजमेंट, इफ इन ऑडिटर्स जजमेंट द आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट्स, इफ इन ऑडिटर्स जजमेंट द आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट्स कैन इन्फ्लुएंस, आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट्स कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन, कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजंस ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजंस ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, देन सच मिसस्टेटमेंट्स, then such misstatements should be considered as, then such misstatements should be considered as material misstatements, such misstatements should be considered as material misstatements, should be considered as material misstatements. शांति से पढ़ो. तुमको देखो बहुत स्मार्ट तरीके से पहले वर्ड यूज क्या किया है, अगर ऑडिटर के जजमेंट में. अब डेफिनेशन ढंग से पढ़ो, क्या लिखा आपने, अगर ऑडिटर के जजमेंट में कोई ऐसी गलती मिलती है जो उसे लगता है इंपैक्ट कर सकती है, इन्फ्लुएंस कर सकती है, किसको, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल, तो ही मैं उसे कंसिडर करूंगा एज, बिकॉज रिमेंबर ऑडिटर, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट विच ऑडिटर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर, वो किसके लिए एग्जिस्ट करता है, यूजर्स के लिए. कोई चीज अगर यूजर को इंपैक्ट करेगी तो वो मेरे डिसीजन को भी इंपैक्ट करेगी, मेरे ओपिनियन को भी इंपैक्ट करेगी. एंड ट्रस्ट मी, ये जो आपने मटेरियल मिसस्टेटमेंट थोड़ा अंडरस्टैंड किया है, इसके ऊपर ही आपका पूरा ऑडिट रिपोर्टिंग, पूरा ओपिनियन डिपेंडेंट है. आपको ओपिनियन बदलेगा ही इस वर्ड की वजह से, एंड यू विल रियलाइज इन नेक्स्ट थ्री डेज बार बार ये वर्ड मटेरियल मिसस्टेटमेंट आते जाएगा. एंड ट्रस्ट मी, एटलीस्ट 5 से 6 और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे अलग अलग मिसस्टेटमेंट्स के, ये समझने के लिए कि कब वो एक्चुअली मटेरियल होता है और कब वो मटेरियल नहीं होता है. एटलीस्ट एक बेसिक मीनिंग क्लियर है क्या, मिसस्टेटमेंट क्या है और मटेरियल. एक बात बताओ यार, सब ठीक है अल्टीमेटली, ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट सब ठीक है तो गलती, वाई कांट आई कॉल दिस एरर और फ्रॉड, वाई कांट आई कॉल दिस एरर और फ्रॉड. अरे मिसस्टेटमेंट मतलब गलती है ना यार, यूज द वर्ड एरर, यूज द वर्ड फ्रॉड. अच्छा फ्रॉड क्या होता है, इज फ्रॉड एन एरर? अगर आप बोलो इंटेंशनल नेचर का है तो हाँ ऐसा बोल सकते हो, बट आइडियली हम एरर का मतलब समझते हैं, इट इज अनइंटेंशनल, एंड फ्रॉड इज इंटेंशनल नेचर ऑफ एक्ट, जिसकी वजह से आप जेन्युइनली किसी को हार्म पहुंचाना चाहते हैं. फ्रॉड का डेफिनेशन भी आएगा, डोंट वरी. बट अच्छा, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA, सुना है कैसा, मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग भी एक एक्ट है, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उधर भी फ्रॉड का डेफिनेशन आएगा, कौन कौन से पार्टीज उसके अंदर कवर होते हैं, आएगा सब, डोंट वरी अबाउट दिस. मतलब है काफी डिटेल में, अभी के लिए प्लीज समझो एक बात, ये टर्म्स से आपसे आपको वोकैबुलरी बिल्ड करना है. अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे ये जो टर्म्स आपने यूज किया ना, मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये जो वर्ड आपने यूज किया है, दिख रहा है क्या वर्ड, ओपिनियन, कैसे इनको यूज करने का है. लिखो नोट नंबर थ्री, मेरे को आपको नोट नंबर थ्री लिखाना था, इसीलिए ऊपर का सब कुछ पढ़ाया है. लिखो नोट नंबर थ्री, मजेदार चीज है, तू मुझे थैंक यू बोलोगे इस नोट नंबर थ्री के लिए आफ्टर 25 days, नॉट नाउ, आफ्टर 25 days, अभी नहीं बोलने का. एस पर एस ए, एस पर एस ए 200, एस पर एस ए 200 डबल कोड्स में, 200 का नाम लिखेंगे डबल कोड्स में, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, एज पर ऐसे 200 डबल कोड्स में नाम लिखो, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर
डबल कोट्स क्लोज, पूरा नाम नहीं लिखवाया गया, उसके पीछे भी कारण है, सिर्फ उतना ही पार्ट रेलेवेंट है। एज पर एसे 200 नाम क्या लिखा है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ठीक है कॉमा। अब आगे कंटिन्यू करो, ऑडिटर हैज टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस, हैज टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस दैट वेदर, हैज टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस दैट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स are prepared and presented, whether financial statements are prepared and presented in accordance, whether financial statements are prepared and presented in accordance with applicable FRF, in accordance with applicable FRF, आप FRF use कर सकते हो exam में, पूरा लिखना financial reporting framework, in accordance with applicable FRF and are free from material misstatements, and are free from material misstatements before expressing his opinion on these financial statements, before expressing his opinion on these financial statements, before expressing his opinion on these financial statements in his audit report, before expressing his opinion on these financial statements in his audit report. एक मिनट शांति से देखो जरा आपने क्या लिखा है, नोट नंबर 3 सिर्फ ट्राई करो, मेरे हिसाब से एक वर्ड को छोड़ के सब समझना चाहिए तुमको, जस्ट वन वर्ड, सिर्फ एक वर्ड को छोड़ के सब समझना चाहिए आइडियली, तो मेरे हिसाब से यार समझा क्या, देखो क्या बोल रही है सर, कुछ तो रीजनेबल अश्योरेंस है वो छोड़ दो, एज पर एसे 200 नाम भी छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को, एज पर एसे 200 हमें क्या ऑब्टेन करने का है, रीजनेबल अश्योरेंस। अरे किसके बारे में रीजनेबल अश्योरेंस है इधर को, दैट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड, कैसे, एज पर एप्लीकेबल, मतलब सर क्या जैसे अकाउंटिंग और जैसे डिस्क्लोजर होना चाहिए वैसा उन्होंने किया है या नहीं किया है, एंड साथ में क्या लिखा है, एंड दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब देर आर नो मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, मतलब मैंने उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इवैल्यूएट किया है, चेक किया है, यह समझने के लिए क्या उन्होंने एज पर एप्लीकेबल, सर ये एप्लीकेबल एफआरएफ क्या है समझ चुका है, इट्स AS/IND AS, जैसे अकाउंटिंग करना चाहिए और जैसे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है एज पर शेड्यूल 3, ये वर्ड तो क्लियर है पक्का, यस और नो, मतलब सर मेरे को ये देखने का है जैसे अकाउंटिंग बनता है एज पर एफआरएफ वैसा हुआ है क्या, एंड क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं। सर मैं ये क्यों करना चाहता हूं, क्योंकि इसी के ऊपर मुझे क्या एक्सप्रेस करना है, ओपिनियन, क्लियर आएगा मेरा ओपिनियन मेरे रिपोर्ट में, कहां आएगा मेरे ऑडिटर। एक बात सोचो, ये स्टेटमेंट में अगर मैं आपको रीजनेबल अश्योरेंस समझा दूं, अब आपको कुछ याद करने का जरूरत है क्या, अगर आप इसको 2 या 3 बार रीड कर लोगे समझ लोगे, ये सेंटेंस ऐसा है ना बेटा, दिस विल कम इन लॉट ऑफ आंसर्स, ये अंडरस्टैंडिंग है। और एक बार तो आईसीए ने इसी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछ लिया, आई वाज वेरी हैप्पी, क्वेश्चन भी दिखाऊंगा तुमको मैं वही बोल रहा हूं तुमको, बस तुम अभी अगले कम से कम ऑडिट में तो 30 दिन
सोचो ही मत क्वेश्चन क्या आएगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम बस सुनते जाओ, समझते जाओ, लिखते जाओ। हाथ जो तुम लिख रहे हो क्या वो तुम्हें अगर 50-60% समझ रहे हैं ना, 100% एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, क्योंकि वो इतनी बार रिपीट होगा। इट्स अ प्रोसेस। मैं वापस बोल रहा हूं, मटेरियल में स्टेटमेंट वर्ड में इतनी बार बता दूंगा ना, लास्ट में तुम मुझे बोलोगे बस अगली बार रिपीट मत करना ऐसा, मतलब मुंह पे नहीं बोलोगे, अंदर ही अंदर मन में बोलोगे ऐसा। आई होप दैट इट विल हैपन, बिकॉज इवेंचुअली इट्स अ प्रोसेस, आई कांट चेंज इट। ये वर्ड आएगा इतनी जगह पे, मैं जैसे रिपोर्टिंग शुरू करूंगा फिर से आएगा। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से धीरे धीरे उसको बिल्ड करो। रीजनेबल अश्योरेंस को डिस्कस करें क्या? अरे डिस्कस करें क्या रीजनेबल अश्योरेंस को? बस हाँ या ना तो रेस्पॉन्ड कर दिया करो जिंदगी में यार, ज्यादा तू पता है कैसे शक्ल लेके बैठो, मतलब मैं है नहीं चाहता हूं, बस प्यार से इतना रिएक्शन ताकि मेरे को समझ जाए आई एम टॉकिंग टू पीपल। यू गेट माई पॉइंट? सी इट इज वेरी टफ टू स्टैंड हियर, टीचिंग इज फाइन, बट एक्चुअली अंडरस्टैंड वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट, फॉर दैट यू नीड टू रिएक्ट। And I don't want a reaction which troubles other people. I just want a reaction just to make me understand this is going fine. Do you get that? Pakka aage badhe? Chalo, let's go to the word reasonable assurance. Now, everyone, I want your attention. Sabse pehle, assurance word ka matlab kya hota hai? Have you heard the word assurance? Pakka? What is assurance? गारंटी, डोंट यूज द वर्ड गारंटी, भरोसा, कॉन्फिडेंस, कंफर्ट, दीज वर्ड्स आर इंटरचेंजेबल। गारंटी नहीं यूज कर सकते हैं। अच्छा एक बात और बता देता हूं, नहीं काम का है, रेलेवेंट नहीं है। इज ऑडिट एंड अश्योरेंस डिफरेंट? या ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस सेम ही है? सेम ही है, सिमिलर है। आ हा, क्या आंसर निकालते हो तुम लोग यार, मालूम है क्या? और शर्म भी नहीं आता, तुम ये आंसर, तुम बस इंटरव्यू देने के लिए जाओ जिंदगी में, तुमको बता रहा है मैं। तुमको ऐसा लोग धोएंगे ना, बढ़िया लोग मिलने चाहिए तुमको सामने, मैं बता रहा हूं, बहुत मजा आएगा। तुम्हारे साथ तो होना ही चाहिए ऐसा। दे आर नॉट सेम, अंडरस्टैंड? अश्योरेंस इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, इसीलिए जब हम ऑडिट भी डिस्कस करेंगे ना, वो बोलेगा ऑब्टेन अश्योरेंस, बिकॉज एक्चुअली में जो मेन कॉन्सेप्ट है ना वो अश्योरेंस है। Do I have comfort? Do I have confidence over what I have checked? That's called as obtaining assurance. अगर आप मुझे बोल रहे हो financial statement पे opinion दो, तो मेरे को comfort चाहिए ना financial statement के ऊपर। If I am not comfortable, how will I sign? So assurance is a broader word. Actually मैं audit उसका part है, but auditing अपने आप में इतना बड़ा profession बन गया, इतने legal requirements आ गए, उन्होंने उसको split करके एक separate एक तरीके से इंडस्ट्री बना दिया। तो उन्होंने क्या बोला, एक्चुअली में ऑडिटिंग अश्योरेंस का पार्ट है, बट ऑडिटिंग इन इटसेल्फ बिकेम सच अ ह्यूज इंडस्ट्री दैट दे हैव डिवाइडेड दैट सेपरेटली। उन्होंने बोला ऑडिट के लिए तुम्हारे अलग ही स्टैंडर्ड से पूरे के पूरे अश्योरेंस जो बचा हुआ सब कुछ है ना वो हमारे पास आ जाएगा। उन्होंने पता क्या बोला, एसेज बना दिया ऑडिट के लिए, बाकी सब अश्योरेंस के लिए SAEs, स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। बात समझ में आया क्या? नहीं पढ़ूंगा, नहीं है सिलेबस में, टेंशन मत ले, सिर्फ समझा रहा हूं, बस यही है, बता दूंगा कहीं ना कहीं। तो एटलीस्ट तू ये कंफ्यूज नहीं होगा, अरे ऑडिटिंग में अश्योरेंस ही चाहिए मेरे को, क्योंकि अश्योरेंस से ही ऑडिटिंग आया है। बट रिमेंबर इट इन इटसेल्फ बिकेम अ सेपरेट इंडस्ट्री ऑल टुगेदर, इसीलिए ऑडिट पे आराम से डिटेल स्टैंडर्ड्स बना दिए और अश्योरेंस को उन्होंने सेपरेट रख दिया। ऐसे ही ना बहुत कम है, बहुत मतलब बहुत कम है। और पता है क्या बोलता है, इधर कम क्यों है, क्योंकि जहां जरूरत पड़े गो टू ऐसे। जब कोई भी अश्योरेंस एंगेजमेंट करने का ना, सब कुछ ऐसे वाला रेलेवेंट है एक्सेप्ट फॉर रिपोर्टिंग, क्योंकि वहां रिपोर्टिंग एज ए ऑडिटर होगा, यहां रिपोर्टिंग एज ए ऑडिटर जाने दो। अभी के लिए सिर्फ समझो कि अश्योरेंस ब्रॉडर कॉन्सेप्ट था, ऑडिटिंग वहीं से आया है, बस उन्होंने ऑडिटिंग को हटा करके एक सेपरेट इंडस्ट्री बना दिया, एक सेपरेट समझ लो क्लासिफिकेशन कर दिया। इज दैट क्लियर टू यू? अब सर व्हाट इज दिस रीजनेबल अश्योरेंस? लुक एट द वर्ड रीजनेबल अश्योरेंस, क्या वर्ड लिखा आपने, रीजनेबल लिखा है कि नहीं लिखा है? सर ये रीजनेबल क्या होता है यार, सुनो, ऑडिट में, अच्छा हम ऑडिट में कुछ एविडेंसेस ऑब्टेन करेंगे, विल वी ऑब्टेन सम एविडेंसेस? चलो एक एग्जांपल लेते हैं।
तुम्हारे बीकॉम में भी ऑडिट आएगा मेरे हिसाब से। तुम बीकॉम फर्स्ट ईयर में हो सेकंड ईयर में हो? ऑडिटिंग सब्जेक्ट नहीं है तुम्हारे पास में? पुणे यूनिवर्सिटी में है यार, थर्ड ईयर में है, सेकंड ईयर में है। नहीं, एनीवन फ्रॉम थर्ड ईयर बीकॉम है क्या? ऑडिट है क्या? ओपन किया क्या बुक कभी? कभी ओपन ही नहीं किया। ग्रेजुएशन नहीं हो गया? टाइप्स ऑफ ऑडिट था, अच्छा, टाइप्स ऑफ फ्रॉड, टाइप्स ऑफ ओपिनियन भी रहेगा, रहेगा, बहुत मजा आएगा। इनसे क्वेश्चन पूछेंगे अपन, टेंशन मत लो। इनका ग्रेजुएशन भी खत्म हो गया इनका, दे हैव पास्ड। ओके, एक मिनट मौका दिया ना बात करने का अगर जिंदगी में, तुम्हें लगता है बस यही टाइम है, जी लेता हूं। इतना क्या बात करने का पड़ोसी से मेरे को समझ में नहीं आया, उसी के साथ बैठे हो इतने महीनों से। एवरीवन लिसन टू मी केयरफुली, देयर आर टू वर्ड्स, सिर्फ मैं उनका डिफरेंस समझा रहा हूं, दोनों का इंडिपेंडेंट मीनिंग के लिए बहुत टाइम लगेगा। समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अज्यूम करो आप एक कंपनी को ऑडिट कर रहे हो, एक्स वाई जेड। मेरे को कंपनी का नाम वाम लेना पसंद नहीं है, पहले बता रहा हूं, एक्स वाई जेड। मेरे पास में कैश एंड बैंक बैलेंस टेन सी आर है, कैश एंड बैंक बैलेंस टेन सी आर। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, कैश इन हैंड, ऐसे 1 लाख रुपये सिर्फ, बाकी सब कुछ किधर है? विद बैंक। अब बैंक के अंदर भी मेरे पास में लेट्स से एचडीएफसी बैंक अकाउंट अलग से हो सकता है, आईसीआईसीआई बैंक, ब्ला ब्ला ब्ला, वॉट एवर इट इज। मान के चलो अमाउंट है एक्स वाई जेड, टोटल मिला के ऑब्वियसली कितना होता है? 10 करोड़ होता है, उसी का बाइफरकेशन है ना। ये क्या बैलेंस रहेगा इंपॉर्टेंट वो नहीं है। मेरे को एज अ ऑडिटर ये बताओ, क्या एविडेंस ऑब्टेन करोगे जिससे आपको कंफर्ट आए कि कंपनी के पास में कैश एंड बैंक 10 करोड़ है या नहीं? क्या एविडेंस ऑब्टेन करोगे जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए कि आपके पास 10 करोड़ का कैश एंड बैंक बैलेंस है या नहीं? कंपनी हमने बुक्स में बता रहा है एज ऑन 31 मार्च कितना, 10 CR। बाइफरकेशन दे दिया आपको कि कैश एंड कितना है, उसके अंदर भी बाइफरकेशन दे दिया, 3 ब्रांचेस हैं, इस ब्रांच में इतना है, इसमें इतना है, इसमें इतना है, अलग अलग बैंक अकाउंट्स हैं, उसमें एफडी के फॉर्म में लेट से बाइफरकेशन जो भी है, सब कुछ है तुम्हारे पास में। तुम एविडेंस क्या ऑब्टेन करोगे जिससे तुमको कंफर्ट आएगा? बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट, बैंक से कंफर्म करोगे कॉल करके? बोलो ना, बोलो ना, क्या तरीका है? पासबुक से? बहुत सारे लोग वैसे पासबुक मेंटेन नहीं करते आज की तारीख में, बट ठीक है, ओके, बैंक स्टेटमेंट से कंफर्म करेंगे सर, कोई तो तरीका रहेगा यार। स्टेटमेंट ऑफ, स्टेटमेंट ऑफ बैंकर, एक मतलब यू विल कॉल द बैंक मैनेजर एंड टेक ए स्टेटमेंट। आई यू ट्राइंग टू से दिस? आई एम आस्किंग यू, इट्स फाइन। यू विल कॉल द बैंक मैनेजर, अच्छा, और कोई तरीका? क्या बात कर रहे हो यार, देखो बहुत सारे तरीके हैं, सुनो मेरा बात। कैश इन हैंड एवरीवन, ये सब तुमको आगे आएगा ही, सिर्फ कुछ एग्जांपल्स बेस क्रिएट कर रहा हूं ताकि अगला कॉन्सेप्ट समझे। कैश इन हैंड चेक करने का है, फिजिकली जाके वेरीफाई कर सकते हो, आर्टिकल है ना तुम्हारे पास में, मतलब तुम ही हो, समझ रहे हो मेरा बात? आईडियली 31 मार्च को आर्टिकल को भेजने का, ईयर एंडिंग 31 मार्च डेट, समझ रहे हो, जाने का क्लाइंट के पास में और कैशियर को मिलकर बोलेंगे सरप्राइज, समझ रहे हो मेरा बात? एज ऑन 31 मार्च पर बुक्स में कैश इन हैंड कितना है? उसने बोला 1 लाख रुपए। तूने बोला 1 लाख काउंट करके देखा, तुम काउंट नहीं करने का, तुम टच नहीं करने का, पता चले तुम्हारा काउंटिंग शुरू हुआ बाद में डिफरेंस मिला, तुम्हारी वजह से है, उसी को बोलने का, तुम्हारे सामने बैठ के वो एक एक कैसे काउंटिंग करेगा, मशीन रहेगा तो मशीन से काउंटिंग करेगा, समझ रहे हो? क्या आप फिजिकली कैश को वेरीफाई कर सकते हो? यस, 31। अरे नॉर्मली क्या होता है, तुमको कॉस्टिंग में पढ़ाया होगा स्टॉक टेकिंग, अरे पढ़ाया होगा ना यार,
31 मार्च को कंपनी को खुद अपना स्टॉक काउंट करना पड़ता है, ऑडिटर वो स्टॉक काउंट अटेंड करने के लिए जाता है, बहुत मजा आता है। जब तू 31 मार्च को स्टॉक काउंट करने के लिए गया, कंपनी के प्रीमाइसेस में ही है, तो कैशियर से भी मिल लेना यार ऑन 31 मार्च, ये भी चेक कर ले कि उसके पास में कैश इन कितना है। लॉजिकल पॉइंट है कि नहीं है? उसने बोला मेरे बुक्स में 1 लाख, तूने फिजिकली देखा एक्चुअली 1 लाख है, तो उसको बोल एक कैश सर्टिफिकेट बना, उस पे लिख एज ऑन 31 मार्च एट दिस पॉइंट इन टाइम बुक्स के सबसे बैलेंस क्या है, फिजिकली 1000 का नोट कितना है, मतलब 2000 का नोट कितना है, 500 का कितना है, जो भी है बाइफर्केशन लिख और नीचे साइन कर। वो भी साइन करेगा, तू भी साइन करेगा, दोनों कंफर्म करोगे ना यार। उसके पास भी एविडेंस है कि तू आया था और तेरे पास भी एविडेंस है कि तूने जाके चेक किया था, कैश इन तो हो गया, प्रॉब्लम खत्म। दूसरा बैलेंस विद बैंक, बहुत तरीके हैं। बैंक स्टेटमेंट एक है, कंपनी का बैंक स्टेटमेंट रहेगा, उसमें चेक कर लो एज ऑन 31 मार्च क्या बैलेंस है। डर क्या है सर? उन्होंने फोर्ज कर दिया बैंक स्टेटमेंट, तो फोर्ज कर सकते ना बैंक स्टेटमेंट को भी? अरे आजकल तो कुछ भी होता है यार, हो सकता है ना यार, तेरे को क्या मालूम वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है कि नहीं है। तेरे काम करो, इंटरनेट बैंकिंग को लॉग इन करो, मेरे सामने अभी के अभी बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर लो। अनदर वे पॉसिबल है कि नहीं है? आइडियली ऑडिट में एक तरीका और बताएंगे। एक काम करो, एक लेटर बनाओ, क्या बनाओ एक, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेटर, एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेटर। आप थर्ड पार्टी को एक लेटर बना के भेजते हैं कुछ कंफर्म करने के लिए, क्या करने के लिए, कुछ कंफर्म, एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेटर ECL पढ़ेंगे आगे। डोंट वरी, पूरा डिटेल बताऊंगा, अभी सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, ये मैं ही पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, सिर्फ एग्जांपल। वो लेटर में लिखो एज ऑन 31 मार्च इस कंपनी का आपके बैंक के इन इन अकाउंट्स में क्या आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, हमें कंफर्म करके भेजिए। ऐसा लेटर बना करके बैंक को भेज सकते हो कि नहीं भेज सकते हो? एक प्रॉब्लम है सर, मैं ICICI बैंक बन गार्डन ब्रांच अगर है फॉर एग्जांपल, तो लेटर भेजा कि मेरे को टाटा मोटर्स का 31 मार्च को क्या बैलेंस विद बैंक है कंफर्म कीजिए, व्हाई वुड दे रिप्लाई टू यू? कोई नॉर्मल आदमी भी तो कर सकता ना रैंडमली। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट, दिस लेटर शुड गो फ्रॉम क्लाइंट टू द बैंक। अरे समझा गया मेरा बात, ये लेटर क्लाइंट से बैंक में जाना चाहिए कि भाई हाँ ये हमारा ऑडिट फॉर्म है, इनको 31 मार्च को क्या आउटस्टैंडिंग बैलेंस है कंफर्मेशन करके चाहिए, तो लेटर हम भेज रहे हैं, रिप्लाई ऑडिटर को भेजना। समझा गया मेरा बात, लेटर हम भेज रहे हैं, रिप्लाई किसको भेजना, ऑडिटर को। तो ऑडिटर को क्या इंडिपेंडेंटली बैंकर रिप्लाई कर सकता है क्या यार? कर सकता है ना, क्यों नहीं कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। यही कॉन्सेप्ट है जो हम आगे पढ़ेंगे कि भाई आप क्लाइंट को बोलो आपके थर्ड पार्टी को लेटर भेजो और लेटर में लिखो क्लियरली ये हमारे ऑडिटर के कंफर्मेशन के लिए है, आप इंडिपेंडेंटली हमारे ऑडिटर को बताइए कि हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस क्या है, ये लेटर के अंदर हमने फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, इसी को भरना, ऑडिट फर्म का जो एड्रेस है वो दिया हुआ है, इनको कुरियर कर देने का। क्वेश्चन नंबर 1, विल बैंक रिप्लाई? सी तुमको समझ में आया ना, लेटर क्लाइंट से जाएगा बैंक के पास तो बैंक को क्रेडिबल भी लगेगा, ठीक बात है कि नहीं है? विल बैंक रिप्लाई, विल दे, व्हाई वुड दे? बैंक क्या बोलेगा, यही काम बचा मेरा आइडियली। ऐसा हर क्लाइंट के लिए रिप्लाई करते रहेगा, कितना टाइम लगेगा मेरे को? रिप्लाई करते हैं। बट व्हेन दिस स्टार्टेड, एंड दिस स्टार्टेड आफ्टर 2008 व्हेन सत्यम हैपेंड, यू गेट माय पॉइंट? एंड इन केस ऑफ सत्यम, आउट ऑफ मेनी फ्रॉड्स, वन ऑफ द फ्रॉड वॉज देर आर बैंक FDs इन बुक बट इट डिडंट एग्जिस्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? एंड बैंक FD के जो सर्टिफिकेट थे ना, दे वर नॉट ट्रू। तो तब से लोगों ने उस स्टैंडर्ड को, एक स्टैंडर्ड को सीरियस लेना शुरू किया, नहीं भाई जो क्लाइंट बोल रहा है ना वो बैंक स्टेटमेंट रिलाय कर सकता हूं, मैं मानता हूं, बट यार मेरे को बैंक से ही कंफर्मेशन चाहिए कि भाई तेरे पास में इस क्लाइंट का इस अकाउंट में इतना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है क्या। तू मुझे लेटर देगा और मेरे पास में अगर बैंक के मैनेजर का ठप्पा मार के साइन करके लेटर आ गया, कैन आई बी कंफर्टेबल एज अ ऑडिटर? लॉजिकल है कि नहीं है? सब प्रॉब्लम है, एक बैंक अकाउंट तो 4-5 रहेंगे, समझ लो मेरा बात। नाउ थिंक अबाउट कस्टमर्स एंड सप्लायर्स। अरे जैसे कैश एंड बैंक बैलेंस है, रिसीवेबल का भी बैलेंस रहेगा, पेएबल का भी बैलेंस रहेगा, रिसीवेबल में भर भर के नंबर ऑफ पार्टीज रहेंगे। अरे हाँ है ना, पेएबल में भर भर के पार्टीज रहेंगे,
कैन आई सेंड सच अ लेटर टू डेटर्स एंड क्रेडिटर्स ऑल्सो? अरे बात समझ में आ रहा है थोड़ा सा? देखो अभी थोड़ा अप्लाई करने के लिए जा रहे हो आप, डरना मत, वापस से सब आएगा, सिर्फ थोड़ा अप्लाई करो तो तुमको थोड़ा थोड़ा समझने लगेगा मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूं. कैन यू सेंड दिस लेटर टू डेटर क्रेडिटर ऑल्सो? हाँ भेज सकते हो यार, भेज, लेटर भेजने में क्या है यार तुमको? अरे डरो मत यार, लेटर भेज सकते हो तुम. इधर देखो मैं दिखा दे तुमको, तुम्हारा जो लेटर जाता है ना उसका फॉर्मेट दिया तुमको मैंने. अरे यार अभी कैरिड भी हो रहे हो आप. इधर देखो, कैन यू सी एक स्टैंडर्ड दिख रहा 505, नाम देखो एक्सटर्नल कंफर्मेशन. इधर देखो नॉर्मली हर स्टैंडर्ड के एंड में जहां जहां मुझे लगता है जरूरी है आपको एक हेडिंग मिलेगा, ड्राफ्ट रिसीवेबल कंफर्मेशन लेटर. दिख रहा है क्या? एक्चुअली में एक ऑडिट फर्म जैसा कंफर्मेशन लेटर बना के भेजता है उसका एक ड्राफ्ट कॉपी हमेशा अटैच करके रहता है. तो मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि तुम पहले स्टैंडर्ड याद करने से ये देख लो, थोड़ा समझ लो क्या होता है. वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज लिटिल, देखो यहां से एक बार देखो, आवर ऑडिटर्स मतलब ये कंपनी लिख रहा है, समझ लोगे मेरा बात? एबीसी ये मतलब ऑडिट फर्म का नाम है, समझ लोगे मेरा बात? दे आर ऑडिटिंग आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड उनको ऑब्टेन करना है क्या? डायरेक्ट कंफर्मेशन ऑफ द अमाउंट रिसीवेबल बाय एस. थोड़ा समझ में आ रहा है क्या लैंग्वेज अभी? इसीलिए अगर थोड़ा समझने का ट्राई करोगे तो ये सब अभी मेरे को पूरा पढ़ाने का नहीं तुमको, बस मेरे एक प्रॉब्लम समझो. बैंक ने रिप्लाई नहीं किया, क्या मैं आर्टिकल को बैंक भेज सकता हूं? आर्टिकल है ना यार. कैन आई सेंड माई आर्टिकल टू द बैंक? यस, मैं गया बहुत सारे बैंक में, और जाते वक्त प्लीज अपना आईडी कार्ड साथ में लेके जाना, वरना तुम कौन? आई होप यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट. और जो लेटर आपने बैंक को भेजा था उसका प्रिंटआउट फिर से लेके जाना, वरना एंट्री नहीं मिलेगा. अरे हाँ, वो लेटर जाके फिर से मैनेजर को दिखाना पड़ेगा. अब देखो किस क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हो, उस क्लाइंट के पास में कितना पैसा है उसके हिसाब से तुम्हारा ट्रीटमेंट डिसाइड होगा. तब दैट इज ऑब्वियसली देयर, राइट? अगर तुम एक टाटा मोटर्स टाइप का एंटिटी का ऑडिट कर रहा है और अगर भर भर के पैसा पड़ा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल बैलेंस विद बैंक या एफडी का अमाउंट अच्छा है, बैंक गारंटी का अमाउंट अच्छा है, तुम मैनेजर से मिलोगे, उसको बोलोगे सर हम इस ऑडिट फर्म से हैं जो टाटा मोटर्स का ऑडिट करते हैं, आपको एक लेटर आया होगा या शायद आप लोगों ने कन्फर्म नहीं किया, वी वुड वॉन्ट प्लीज कैन यू कन्फर्म दिस टू अस. वो जाएगा आपको चाय पिलाएगा, अपने बंदे को बुलाएगा, टाटा मोटर्स का स्टेटमेंट निकलवाएगा, में से मैच करेगा, थप्पा मारेगा, साइन करेगा, दे देगा. अगर मैंने आर्टिकल को भेजा, उसने सही में बैंक मैनेजर जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है उससे थप्पा लेके साइन करवा के लेके आया, क्या ये रिलायबल एविडेंस लग रहा है आपको? हाँ यार, बट प्रॉब्लम क्या है? ये बैंक में कर लूंगा, तीन बैंक है, पांच बैंक है, सात बैंक है, बहुत हो गया यार, कितना वेराइटी हो सकता है? बट मेरा जो डेटर्स और क्रेडिटर्स का लिस्ट है and my customers or my suppliers can be outside India also. Sir, article, I will physically go get the confirmation for you. Logical है कि नहीं? ideally, तुम तो interested हो, passport के लिए apply कर दो, अगर नहीं है for example तो कुछ ऐसा होने वाला नहीं है. तब वो क्या बोलेगा? letter भेज दे, email कर दे, call कर दे, WhatsApp. समझ रहे मेरा बात? रिप्लाई आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई और प्रोसीजर लगा लेंगे. पर एक बात सोचो यार, अगर मेरे को थर्ड पार्टी ने रिप्लाई नहीं, सर बेस्ट पॉसिबल एविडेंस क्या था जब थर्ड पार्टी ने ठप्पा मार के लिख करके दिया है? पर ये मेरे को हमेशा थोड़ी मिल सकता है यार. दिस इज पॉसिबल मे बी इन सर्टेन केसेस बट नॉट इन द एंटायर ऑडिटिंग. यार मैं बोलने का ट्राई क्या कर रहा है, जब तुमको एक बैंकर ने लिख करके लेटर दे दिया है ये ना कंक्लूसिव एविडेंस है. कौन सा एविडेंस है? यू कैन कम टू अ कंक्लूजन कि बुक्स में बोला आउटस्टैंडिंग बैलेंस इतना है, जो बैंकर है उसने लिख के दिया है, मतलब मैं श्योर हूं जो क्लाइंट बोल रहा है वो ठीक है. इट इज कंक्लूसिव इन नेचर. और जब मेरे को कंपनी ने बोला ये मेरे डेटर्स का लिस्ट है, ये मेरे क्रेडिटर्स का लिस्ट है, मैंने उनको लेटर भेजा, कुछ का रिप्लाई आएगा, कुछ का नहीं आएगा. रिप्लाई नहीं आएगा तो मैं क्लाइंट को क्या बोलूंगा?
ये काम कर, तूने परचेस सेल किया कि नहीं किया? परचेस सेल्स इनवॉइस दे दे। अरे परचेस सेल किया कि नहीं किया उसका इनवॉइस तो दे देना कम से कम यार। क्रेडिट परचेस का इनवॉइस रहेगा, क्रेडिट सेल का इनवॉइस रहेगा, इनवॉइस तो दे दे कम से कम। अरे ये इनवॉइस से मेरे को कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ परचेस सेल हुआ होगा, बट ये कंक्लूसिव नहीं हो सकता यार। देयर इज नो सर्टेनिटी कि एक्चुअली ऐसा हुआ होगा। दैट इज व्हाई वी से इन ऑडिट नॉट ऑल एविडेंसेस आर कंक्लूसिव, नॉट ऑल एविडेंसेस आर, हो सकता है मेजॉरिटी ऑफ देम आर परसुएसिव। सुना के वर्ड परसुएड करना, कन्विंस करना, दे माइट बी कन्विंसिंग बट दे मे नॉट ऑलवेज बी कंक्लूसिव। इसीलिए आपको अश्योरेंस ऑब्टेन करना है, बट सुनो कौन सा अश्योरेंस, ढंग से सुनना एवरीवन। सर सबसे पहले परसुएसिव ऑडिट एविडेंस, कंक्लूसिव ऑडिट एविडेंस। सो नॉर्मली ऑडिट में हमें सबसे ज्यादा एविडेंसेस कौन से मिलेंगे? परसुएसिव। इसीलिए हमें अश्योरेंस कौन सा मिलेगा? रीजनेबल। क्या मिलेगा? रीजनेबल। अगर हमें कंक्लूसिव एविडेंसेस मिल जाते तो वो अश्योरेंस कौन सा होता? एब्सोल्यूट अश्योरेंस, मतलब आप बहुत श्योर होते कि ये ऐसा ही है। और सुनो, क्योंकि तुम्हें यह नहीं मिलता है इसीलिए तुम नहीं बोल सकते हो माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड करेक्ट। इसीलिए पता है आप क्या बोल सकते हो? दे आर ट्रू एंड फेयर। ये वर्ड सुने होंगे कभी ना कभी, अभी सुना है क्या वर्ड ट्रू एंड फेयर एंड ट्रू एंड करेक्ट? कभी कभी सुने होंगे पक्का से। आइडियली अभी ट्रू एंड फेयर समझाया नहीं है, सिर्फ बताया है कि नॉर्मली डायरेक्शन किधर आता है। यार बहुत धीरे धीरे समझाया, ऐसा टुकुर टुकुर खेल खेल के यार, मतलब लिटरली पहले तुमको बताया मैंने कैश चेक कैसे करने का है, फिर डेटा क्रेडिटर पे लेके गया, कन्फर्मेशन लेटर समझाया। सुनो वापस से, डरो मत। हमें नॉर्मली ऑडिट में कौन से एविडेंसेस मिल रहे हैं? सर दे आर कन्विंसिंग कैसा हुआ होगा, बट दे आर नॉट कंक्लूसिव। इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे ऑडिट में अश्योरेंस नॉर्मली मिलता ही कौन सा है? रीजनेबल मिलता है। मैं कंफर्टेबल हूं, बट मैं ये नहीं बोल सकता 100% ऐसा है। आई डोंट गेट एब्सोल्यूट अश्योरेंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? अरे एक बात सोचो यार, रिलायंस इंडस्ट्रीज का तुमको नंबर दिखाया, SBI बैंक का फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोलना, HDFC बैंक का फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोलना, डिपॉजिट और लोन्स का अमाउंट देखोगे ना, हार्ट अटैक आ जाएगा। वो अमाउंट के ऊपर 100% कॉन्फिडेंस किधर से लाओगे? अगर सब चेक करने के लिए गए ना, 3 साल का बैकलॉग रहेगा लाइफ में। इस साल का जो हुआ है ना, 3 साल चेक करने को लगेगा, सच्ची बता रहा है। तो ऑडिट हमेशा 3 साल के बाद ही होगा, इम्पॉसिबल है वो। इसीलिए पता क्या करना पड़ता है यार, लोन देने का प्रोसेस, डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। दैट इज वेर योर इंटरनल कंट्रोल विल कम इन टू पिक्चर। आई हैव टू अंडरस्टैंड देयर टेक्नोलॉजिकल यू नो स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजिकल आर्किटेक्चर और हाउ देयर कंट्रोल्स आर डिजाइंड। उसके बिना मेरे को उनके नंबर पे कंफर्ट ही नहीं आ सकता है, अलग स्टोरी, आगे जाएंगे। बट समझो, कंक्लूसिव एविडेंस इज टफ, एंड इट इज नॉट दैट कि हमको इंडिया में ही एब्सोल्यूट नहीं मिलता, किधर भी हर जगह पे। एज अ विच ऑडिटर वी आर टॉकिंग अबाउट, विच ऑडिटर वी आर टॉकिंग अबाउट? एक्सटर्नल ऑडिटर। विच ऑडिटर वी आर टॉकिंग अबाउट? स्टैट्यूटरी ऑडिटर। नॉर्मली हमें कौन सा अश्योरेंस चाहिए? रीजनेबल। क्यों सर ऐसा? क्योंकि यार ऑडिटिंग जो है ना, लिमिटेड पीरियड के अंदर, लिमिटेड टाइम के अंदर, विथ लिमिटेड एफर्ट कंप्लीट करना होता है। आपके पास में पूरा साल भर नहीं होता है ऑडिट करने के लिए। यू आर नॉट ऑडिटिंग ऑन एवरी डे। टू डू दैट यू नीड ऑडिट टूल्स, दे विल कम इन आईटी। हाउ यू कैन इंश्योर दैट आप क्लाइंट प्लेस पे नहीं हो बट आपके टूल्स वहां पे है, जिसके बेसिस के ऊपर एवरी ट्रांजेक्शन मॉनिटर होता है। देर आर डिफरेंट ऑडिट सॉफ्टवेयर्स, कम देर। The world is going in that direction 100%. But मेरे को तो पहले ही बताना पड़ेगा ऑडिट क्या होता है। थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? अब जाओ नोटबुक के अंदर, आपने वर्ड लिखा होगा कौन सा? रीजनेबल अश्योरेंस। आई होप थोड़ा समझा होगा, डरो मत। बाकी रीजनेबल क्या है, एब्सोल्यूट क्या है, ट्रू एंड फेयर क्या है, ट्रू एंड करेक्ट क्या है, बहुत आगे आके आएगा। नीचे काम करो, नोटबुक के अंदर ही सिर्फ रेफरेंस के लिए इतना लिख लो, ये ऐसा ड्रॉ कर लो तुम्हारे लिए। परसुएसिव ऑडिट एविडेंस, कंक्लूसिव ऑडिट एविडेंस लिख के रख लो। Persuasive audit evidence,
बाजू में कंक्लूसिव ऑडिट एविडेंस, परसुएसिव के नीचे लिख दो रीजनेबल अश्योरेंस, कंक्लूसिव के नीचे लिख दो एब्सोल्यूट अश्योरेंस, एंड अंडर दैट ट्रू एंड फेयर, एंड दूसरा वर्ड है ट्रू एंड करेक्ट। एक बार ये लिख करके रख दो, थोड़ा समझ में आया होगा, थोड़ा आगे आगे जब हम ऑडिट एविडेंसेस पे जाएंगे आपको और समझ में आएगा। लिख के रख दो। लिखा क्या? नहीं लिखा पक्का? एक एग्जांपल सुनो, ट्राई करो, थोड़ा सा कनेक्टेड है पर थोड़ा आगे लेके जा रहे हैं, दो मिनट के लिए। दिस इज अबाउट 2009। अगेन एक कंपनी का ऑडिट कर रहे थे, प्राइवेट लिमिटेड, उस जमाने में रेवेन्यू, उस जमाने में 70-80 सीआर, गुड कंपनी, स्ट्रांग कंपनी, ठीक है। अब कंपनी का जब आप फिक्स्ड एसेट्स चेक करते हो, पीपी, साल भर में क्या नया एसेट्स खरीदा, लिस्ट मिलता होगा आपको आइडियली, पक्का। थोड़ा सा एविडेंस के ऊपर ही जा रहा हूं मैं, दैट हाउ थिंग्स कैन बी लिटिल बिट मोर डिफिकल्ट इन रियल लाइफ, ठीक है। क्या करना चाहिए वो तो धीरे धीरे समझ में आएगा। तो जो इस साल के अंदर नया पीपी खरीदा उसका लिस्ट निकाला, उसमें एक बढ़िया लाइन आइटम था, उस जमाने में 7-8 लाख का था। उन्होंने एक सोफा परचेज किया था, स्टैनली एक ब्रांड है, स्टैनली का सोफा, समझ रहे हो मेरा बात, उनके एडिशंस में दिख रहा था। आई वॉज 17 ईयर एंड फ्यू मंथ्स ओल्ड जब मेरा आर्टिकलशिप शुरू हुआ था। हाँ सुनो, यस, सीपीटी के बाद आर्टिकलशिप शुरू होता था पहले, तो क्लास 12th होता था, उसके 2 महीने के बाद में सीपीटी का एग्जाम होता था, उसके 2 महीने के बाद में आर्टिकलशिप शुरू होता था, मतलब टेक्निकली 12वीं पास करके आर्टिकलशिप, समझ रहे हो क्या मेरा बात। और हमारे केस में आफ्टर आर्टिकलशिप उसके 1.5 साल के बाद एग्जाम होता था। सो वॉट इज आईपीसीसी फॉर यू? वी हैड पीसीसी, एंड On that time, articleship was 3.5 years. Are you understanding my point? That was the last batch. उसका 3 साल कर दिया उन्होंने। बुरा लगा। कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जब वो देखा मैंने यार, as a normal person, कोई भी थोड़ा excited होगा ना यार, 7-8 लाख रुपए का सोफा कैसा दिखता है? मतलब एक सिंपल क्वेश्चन, मतलब उस जमाने में नॉट रॉन्ग, शायद मेरे हिसाब से शायद होंडा सिटी भी 8-9 लाख रुपए का आता होगा, समथिंग विच इज रियली बिग। तो मेरा एक सीनियर था, प्रतीक नाम है, तो मैंने बोला प्रतीक मेरे को इसका इनवॉइस देखा, क्लाइंट पे मैं रोज घूमता हूँ, किधर भी नहीं दिखा मेरे को ये, मेरे को ये देखने का, क्या अपन CFO से कभी पूछ सकते हैं ऐसा? 17-18 साल के बच्चे के लिए तो बहुत ही मुश्किल चीज़ हो गई है, आई कांट आस्क CFO वेयर इज द सोफा, समझ रहे हो मेरा बात? It doesn't make sense. I hope you're understanding me. So normally after, you know, entire week is over, on a Friday evening, there used to be a meeting जहाँ पर एक senior article, या maybe अगर senior article नहीं है तो associate meets the respective person and उनसे discuss करते हैं क्या क्या pending points वगैरह है। और वो meeting ना बहुत boring होता है, उधर जाकर के आपको notes भी बनाने पड़ते हैं, समझ रहे हो क्या मेरा बात। तो मैंने प्रतीक को बोला मैं तेरे साथ उस meeting में चलेगा, पूरा notes बनाएगा, मेरा handwriting तुमको मालूम है। पहले उसने बोला तू, बोला नहीं मैं पक्का नोट्स बनाएगा, बस एक प्रॉमिस है, उसे क्वेश्चन पूछेगा, इनवॉइस देख लिया, पेमेंट हो गया, सब बराबर है, इनवॉइस है, पेमेंट है, मतलब ट्रांजेक्शन तो हुआ है, समझ रहे हो? किधर, समझ रहे? मेरे को बस ये जानने का, और कुछ नहीं, मतलब और कुछ भी नहीं है आइडियली गए मीटिंग करने के लिए। देयर इज ऑब्वियसली अ लॉट इन द एजेंडा, यू कांट राइट दिस इन द एजेंडा ऑब्वियसली, वेरी सोफा दैट कैन नॉट बी आस्क्ड, यू गेट माय पॉइंट। वेंट देयर, बहुत सारा डिस्कशन हुआ, लाइक सामने वाला कोई एक जैसे क्रिकेट का फैन है तो नॉर्मली जो सीनियर आर्टिकल है वो भी शुरुआत करता है, डिड यू सी द लास्ट डेज मैच, मतलब शुरुआत हुआ, थोड़ा बहुत टाइम पास हुआ, फिर
कोर एजेंडा पे डिस्कशन हुआ, उसने उस सोफा के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। व्हेन वी वर ऑलमोस्ट अबाउट टू गेट डन, मेरे को मालूम है एजेंडा खत्म हो रहा है, मैंने प्रतीक को आज मैं पैर से मारा जोर से, सब ठीक है। उसने बहुत पोलाइट तरीके से पूछा, सर आई सॉ इन दिस ईयर्स एडिशन लिस्ट, स्टैनली खरीदा क्या, मतलब सोफा बोलना बेइज्जती है, स्टैनली इज अ ब्रांड, डू यू गेट माई पॉइंट। बोला हाँ यार, अपना जो बाहर का एंटिटी है, अपना पेरेंट एंटिटी है, बहुत सारा डायरेक्टर्स वगैरह ट्रैवल करते रहता है, तो कुछ मीटिंग्स के लिए मंगा के रखा है। मैं बोल रहा है इससे आंसर किधर है, वेयर इज इट, डू यू गेट माई पॉइंट, मतलब तूने पूछा उसने हाँ बोला, डू यू गेट माई, बट वेयर इज इट। बट ये बोलता है आई कांट गो बियॉन्ड दिस, आई आस्क्ड अ क्वेश्चन, ही पोलाइटली आंसर्ड, आस्किंग हिम अ फर्दर क्वेश्चन इज बेसिकली पुटिंग एन एलिगेशन, आर यू अंडरस्टैंडिंग मी, सो देयर इज अ, मैं आपको वही बोल रहा है, बहुत आसान लगता है, बहुत थिन लाइन है, आपको बहुत सोच समझ के कम्युनिकेट करना पड़ता है। 17-18 मेरा सीनियर आर्टिकल, 20-21 सामने वाला आदमी 55, समझ रहा मेरा बात आइडियली, मतलब मे बी उनके बच्चे का एज मेरे ज्यादा रहेगा यार, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। आपको बहुत सोचना पड़ता है, बहुत ज्यादा पोलाइट होना पड़ता है, यू शुड नो वॉट यू आर स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस इज वन थिंग, यू नो एवरीथिंग इज वन थिंग, बट स्टिल देर हैज टू बी अ वेरी टैक्टफुलनेस, आपको अच्छे से डील करना पड़ेगा। ये आंसर वो बाहर आ गया, आई वॉज डिसअपॉइंटेड, कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं हुआ उसके बाद में। एक 10-12 दिन के बाद में एक बार मीटिंग के लिए CFO ने वापस बुलाया, समझ रहे हो मेरा बात, हम गए। उस दिन जब हम उस कैबिन में एंटर हुए, हमें कॉर्नर में एक रेड सोफा दिखा, जो फर्स्ट डे नहीं था। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ होगा, परचेस तो किया था, पेमेंट तो हुआ था, पर वो शायद वहां था नहीं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, इट वॉज बींग यूज मे बी यू कैन अज्यूम फॉर पर्सनल पर्पस, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। अब तेरे सामने वो है, क्या तुम्हारे हिसाब से फ्रॉड है, क्या तुम्हारे हिसाब से ये फ्रॉड है, क्या तुम्हारे हिसाब से फ्रॉड है, मतलब फ्रॉड है कि नहीं है, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है, नहीं आएगा मेरे को मालूम है, अगर आए तो तुम्हारे हिसाब से फ्रॉड है या नहीं है। बोलो बोलो, तुमको मुझे बताना पड़ेगा, मुझे तो पता नहीं है। देखो जब आपको फ्रॉड का डेफिनेशन पढ़ाया जाएगा, वहां कैटेगरीज ऑफ फ्रॉड रहेंगे, वहां पे एक कैटेगरी में एक एग्जांपल है, अगर कंपनी के एसेट्स का इस्तेमाल पर्सनल पर्पस के लिए किया जाता है, देन इट इज अ फ्रॉड, इट इज अ क्लियर कट फ्रॉड एज पर द डेफिनेशन। द क्वेश्चन इज What can you do about it? What can you do about this? Tell me. See, theoretically, तुमको एग्जाम में आया 100% आंसर फ्रॉड है, दिमाग में मत लगो। कौन से कैटेगरी में आएगा आगे जब हम पहुंचेंगे, तुमको बोलेंगे अभी ये याद है क्या सोफा, तुमको याद आ जाएगा, टेंशन मत लो। बट मेरे को ये बताओ तुम क्या कर सकता है, ये मेरे को बोलो। नहीं नहीं यार, तुम ऑडिटर है यार, यू आर फर्स्ट ईयर आर्टिकल, कुछ तो कर सकते हो यार मेरे हिसाब से, यार सोचो ना। बोलो बोलो क्या करना चाहिए सर, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इंडिपेंडेंट वो भी। हाँ सोच लेना किसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जा रहे हो। अभी यहीं पर ना, कभी कभी मैं आपको वापस वही समझा रहा हूं जो अपना बुक्स बोल रहा है, जो सिनेरियोज है वो सब लॉजिकल है, बट यू मे एंड अप इन अ पोजिशन वेर यू रियली डोंट नो वॉट टू रेफर। This is a situation where you really don't know what to refer. And मैं तुमको, ये तो एक situation है, आगे जब companies act का provision में आएगा fraud related, तो ऐसा ऐसा situations हो सकता है जो real life में काफी अलग होता है comparatively. And ये बहुत challenging होता है एक person के लिए। एक बात बताऊँ तुमको मैं, if you don't do anything, that is also a problem. Why? Because you are aware that it's a fraud. You get my point? ये कहीं ना कहीं उस तरीके में आ जाएगा कि तुम्हें मालूम था पर तुमने कुछ नहीं किया, that means you are part of it. Are you understanding my point?
अगर बहुत टेक्निकल आदमी अगर हो जाए टेक्निकली अगर, तो ऐसा लगेगा यू आर अवेयर ऑफ इट, दैट मीन्स इफ यू आर नॉट रिपोर्टिंग दैट मीन्स यू आर पार्ट ऑफ इट. यू गेट माई पॉइंट? बट प्रॉब्लम क्या, चेक कैसे करोगे इसको? सीसीटीवी कैमरा कि सोफा कब वापस अंदर आया होगा, यू मे थिंक. बट तुम सोचो कंपनी का सीईओ या सीएफओ है वो, सीसीटीवी कैमरा का कंट्रोल भी, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, उसी ने इंस्टॉल करवाया होगा. मतलब रेस्पेक्टिव पर्सन से आइडियली समझ रहे हो मेरे बात. और मे बी तुमको नहीं दिखा कहीं और पढ़ा होगा, तो हाउ कैन यू बी श्योर ऑन वन आर्टिकल्स ऑब्जर्वेशन? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट. दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. क्या तुमने पहले उनको पूछा मेरे को अभी अभी चेक करने का है? क्या वो उस समय नहीं बता पाया? तो आप बोल सकते थे कि भाई हमको ऐसा लगा, हमने ऐसा एक्शन लिया, ऐसा आउटकम आया, हमें लगा प्रॉब्लम है, वी कुड नॉट फाइंड सच एन एसेट इन द प्रीमाइसेस. यू कैन राइट दिस एज अ स्टेटमेंट. ऑन दिस डे वी हैड अ कॉन्वर्सेशन विद मिस्टर ए, दिस वॉज द आउटकम. बट वेन इट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू एंड इफ यू डिड नॉट डू एनीथिंग ऑन दैट डे, आई डोंट थिंक यू कैन डू एनीथिंग राइट नाउ. वॉट यू कैन डू इज सिट ऑन द सोफा वंस, सी हाउ इट फील्स, गेट आउट. मतलब ऑनेस्टली यू शुड हैव एक्टेड ऑन डे वन. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग. ये अब ये लिखा हुआ नहीं होता, जब इंसिडेंट हो रहा है तब आप एक्ट कीजिए. यू डोंट राइट स्टैंडर्ड्स लाइक दैट. दिस कैन नॉट बी टॉट. दिस इज समथिंग यू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस. दिस इज समथिंग मे बी ओनली योर सीनियर्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन टू यू. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट. बात समझ में आया क्या? जाने दीजिए, ऐसा बहुत सारा चीज होते रहेगा. अभी के लिए थोड़ा आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर क्लियर है क्या? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव. एवरीवन यू हैव 2 मिनट्स, शांति से नोटबुक निकालिए. स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग. आई वॉन्ट आराम से 5 मिनट स्पेंड करके जो आपने लिखा है उसे अच्छे से रीड कीजिए कि आपको समझता है, ये सोचिए. इफ देर इज अ डाउट आस्क मी, अदरवाइज वी विल प्रोसीड. जब आपको पढ़ने के लिए टाइम दिया जाए प्लीज उसको अच्छे से यूज करना, जेन्युइनली आपको आगे हेल्प करेगा. मिसस्टेटमेंट का डेफिनेशन और केयरफुली पढ़ना. एंड देन नोट नंबर 3 जो आपने लिखा होगा कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इज टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस. वो नोट नंबर 3 का जो लैंग्वेज है वो बहुत एसेंशियल है. आपको प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं आएगा, आपको एग्जाम में ऑडिट का डेफिनेशन नहीं आएगा, बट 200 के हिसाब से एक स्टेटमेंट लिखवाया है वो इंपॉर्टेंट है. और वो स्टेटमेंट कहां से बना है? मिसस्टेटमेंट के डेफिनेशन से बना है, FRF समझने के बाद बनाए. वो ही तो लिखा है यार, वो समझना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है. जब रीड कर रहे हो तो पता होना चाहिए मेरा फोकस किधर ज्यादा होना चाहिए. इसलिए बार बार रिपीट भी करूंगा क्लास में, नोट नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट था, इसी के लिए ऊपर का सब लिखवाया है. Can we go next? Are you done reading or are you reading?
बढ़े आगे, चलो अभी सुनो मेरा बात। इंट्रोडक्शन टू ऑडिट, थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव एंड मे बी वन और टू बेसिक टर्म्स, ये अभी तक खत्म हो गया। अब हम यहां से ऑडिट रिपोर्टिंग का टेरिटरी में एंटर कर रहे हैं, मतलब वी आर एंटरिंग टूवर्ड्स 700 सीरीज, मतलब अब हम टेक्निकली स्टैंडर्ड शुरू करेंगे। समझ रहे हो मेरा बात? अभी तक कोई स्टैंडर्ड आपको पढ़ाया नहीं है, अब हम स्टैंडर्ड्स शुरू करने वाले हैं। आज सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दूंगा रिपोर्टिंग सीरीज के बारे में, और कल से एक्चुअली में पहला स्टैंडर्ड शुरू होगा। ठीक है, वापस से 700 सीरीज मतलब कौन सा पार्ट हो गया? रिपोर्टिंग, मतलब इसके पहले ऑडिट प्लानिंग हो जाना चाहिए था, ऑडिट का एग्जीक्यूशन हो जाना चाहिए था, उसके बाद में आप कहां पर आते हो? रिपोर्टिंग पे। बट सर आप ऐसा बोल रहे हो, हम मान रहे हैं कि भाई रिपोर्टिंग पता होना चाहिए वरना प्लानिंग नहीं हो सकता है, आप ऐसा बोल रहे हो इसलिए हम अज्यूम करके चल रहे हैं। इज दैट क्लियर टू यू? इन रिपोर्टिंग सीरीज कुछ साल पहले एक चेंज आया, आपका ऑडिट रिपोर्ट का एक फॉर्मेट था, उस फॉर्मेट को रिवाइज किया गया। तो नाउ देयर इज अ रिवाइज फॉर्मेट, सो देयर वाज अ ओल्ड ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट, नाउ इट इज अ रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट। पहली बात तो ये, जब ऐसा रिविजन आता है ना, तो जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ना उनके आगे एक वर्ड नॉर्मली ऐड हो जाता है। अगर सेम स्टैंडर्ड कंटिन्यू हुआ है तो 700 स्टैंडर्ड था, उसके आगे वर्ड आ गया रिवाइज्ड। क्या आ गया वर्ड? रिवाइज्ड। यू नो सी ए वर्ड 700 और बाजू में लिखा है रिवाइज्ड, 705 रिवाइज्ड, 706 रिवाइज्ड, एक नया स्टैंडर्ड भी आ गया डायरेक्टली, कौन सा वाला? ऐसे 701। हमारे सिलेबस में ओल्ड फॉर्मेट है या रिवाइज फॉर्मेट है? रिवाइज्ड ऑब्वियसली, कंफर्म। मतलब हमारे सिलेबस में चारों के चारों स्टैंडर्ड्स हैं, इसके आगे 710 भी है, 720 भी है, वो नहीं पढ़ेंगे। रिपोर्टिंग में जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए ना, ये चार स्टैंडर्ड चाहिए, 700, 701, 705, 70। इसमें ना ये वाला भी अभी नहीं पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, क्योंकि आई नो ये नया वाला पार्ट है, थोड़ा टाइम लगेगा। सिर्फ अच्छा ओवरव्यू इन तीन स्टैंडर्ड से मिल जाएगा। मतलब अभी जब हम फर्स्ट राउंड में रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, जब हम ऑडिट रिपोर्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तब हमें फोकस कहां करना है? 700 पे, 705 पे एंड 706 पे। सर एक बात बताओ, तो हमको ये ओल्ड फॉर्मेट को भूल जाना चाहिए, सीधा नया से शुरुआत करना चाहिए? आई एम आस्किंग यू, क्या करना चाहिए बोलो? देखो तुम्हारे सिलेबस में एप्लीकेबल तो यही है, शुड वी रीड दिस और शुड वी जस्ट, तुम बोलो तुम्हारे हिसाब से, तुमको क्या लगता है, ओल्ड पढ़ना है या डायरेक्टली रिवाइज शुरू करना है? तुम जैसा हो, तुम्हारे सिलेबस में रिवाइज दिए, ओल्ड पढ़ने का है? अच्छा ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारा डिसीजन मेकिंग, टेंशन मत लो, समझ रहे हो मेरा बात? ओल्ड पढ़ना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, मेरे पास है, तुम्हारे पास। सी प्रॉब्लम समझो यार, अगर ओल्ड नहीं पढ़ाया ना, कुछ कुछ जो रिवाइज में हुआ है ना वो समझेगा ही नहीं, और कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बनाया जाएगा ऑन अ सिचुएशन हाउ इट वॉज एंड हाउ इट इज, तो एमसीक्यू आंसर नहीं कर पाओगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट माय पॉइंट इज। अगर मेरे को ओल्ड फॉर्मेट नहीं समझेगा तो रिवीजन में क्या बदलाव आया, क्यों बदलाव आया, वो अंडरस्टैंडिंग थोड़ा मुश्किल है यार, इसीलिए हम दोनों पढ़ेंगे। हाँ मैं एग्री करता हूं, ओल्ड में आपको मैं इतना परेशान नहीं करूंगा, आई विल नॉट स्ट्रेच इट अननेसेसरीली, जस्ट गिव यू अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग जितना बहुत रेलेवेंट है, उसके बाद इमीडिएटली शिफ्ट कर लूंगा कहां पर? रिवाइज पे डायरेक्टली, पर हम दोनों पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर टू यू? नोटबुक्स में जाइए, गिवन एक्स हेडिंग, फ्रेश पेज प्रेफरेबली, तुमको पसंद है अगर तो, मतलब डोंट वेस्ट अदरवाइज, इट्स फाइन। टाइप्स ऑफ ऑडिट ओपिनियन, टाइप्स ऑफ ऑडिट ओपिनियन, टाइप्स ऑफ ऑडिट ओपिनियन, ये पहला हेडिंग है तुम्हारा, स्टैंडर्ड का नंबर वगैरह कुछ नहीं लिखवाया है, सिर्फ नेक्स्ट हेडिंग लिखो टाइप्स ऑफ ऑडिट ओपिनियन, टाइप्स ऑफ ऑडिट ओपिनियन। क्या आपने सुना है कि ऑडिट ओपिनियन के टाइप्स होते हैं? सुना तो होगा यार, किसी ने तो सुना होगा यार, इफ यस हाउ मेनी टाइप्स या फोर? अच्छा ओके, कोई दो बोल रहे हैं, एनीवन एल्स? दो ही टाइप्स, फोर? हाँ ये ग्रेजुएशन करके आया ना,
थर्ड ईयर बीकॉम ना, मतलब ऑलमोस्ट देयर। एग्जाम लिख दिया कि बाकी है? बाकी है, ठीक है, जज नहीं करेंगे। बता चार ओपिनियन। मेरे को वो बीकॉम वाला आंसर ही जानना था बेसिकली, इंटरेस्ट ही उधर था मेरे को, समझ रहे मेरा बात? कौन कौन से चार थे? क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड, बाकी दो याद नहीं है, पर चार थे सर, कंफर्म है ना? ठीक है, एडवर्स। अच्छा तू सपोर्ट कर रही है उसको, एडवर्स, क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड, एडवर्स और कोई और डिस्क्लेमर। अच्छा सुने क्या ऐसा, क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर। बहुत सारे लोगों को लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता है ओपिनियन चार होते हैं। देखो टेक्निकली दो ही होते हैं, समझो मेरा बात। तुम जो वर्ड्स बोल रहे हो वो गलत नहीं है, बट एज पर स्टैंडर्ड इफ यू गो देयर आर ओनली टू टाइप्स। नोटबुक टाइप्स को दो पार्ट में डिवाइड करूं, डिवाइड देम इन टू पार्ट्स। पहला वाला अनमॉडिफाइड ओपिनियन, दूसरा वाला मॉडिफाइड ओपिनियन। पहला वाला अनमॉडिफाइड ओपिनियन, दूसरा वाला मॉडिफाइड ओपिनियन। पहला अनमॉडिफाइड, दूसरा मॉडिफाइड, अनमॉडिफाइड और दूसरा मॉडिफाइड। अंडर मॉडिफाइड, वापस से बोल रहा हूं, अंडर मॉडिफाइड तीन चीजें आएगी, दो पार्ट में डिवाइड किया होगा, अनमॉडिफाइड, मॉडिफाइड। मॉडिफाइड के नीचे तीन चीजें आएगी, नंबर वन क्वालिफाइड ओपिनियन, दूसरा एडवर्स ओपिनियन, क्वालिफाइड, दूसरा एडवर्स, एंड तीसरा डिस्क्लेमर। क्वालिफाइड, एडवर्स एंड डिस्क्लेमर। अब ये जो अनमॉडिफाइड लिखा है ना, इसके नीचे लिखूं? आई होप तुम गलत नहीं लिख रहे हो। ये तीनों मॉडिफाइड के नीचे लिखा है ना, पक्का ना? ठीक है, अंडर अनमॉडिफाइड राइट डाउन, इट इज ऑल्सो नोन एज अंडर अनमॉडिफाइड राइट डाउन, इट इज ऑल्सो नोन एज क्लीन रिपोर्ट, क्लीन रिपोर्ट, और अनक्वालिफाइड ओपिनियन। क्लीन रिपोर्ट और अनक्वालिफाइड ओपिनियन, देखो सर ओपिनियन तो दो ही है, वर्ड्स चार रेलेवेंट है, एक है अनमॉडिफाइड, उसको ही हम क्या बोलने वाले हैं, अनक्वालिफाइड बोलने वाले हैं, उसको ही हम क्या बोलने वाले हैं, क्लीन। क्यों बताऊंगा, डोंट वरी। फिर सर मॉडिफाइड, उसमें तीन ऑप्शन है हमारे पास में, कौन कौन सा, क्वालिफाइड भी हो सकता है, एडवर्स भी हो सकता है, डिस्क्लेम। ये जो आपने मॉडिफाइड ओपिनियन लिखा है ना, इसके बाजू में लिखो रेफर SA705, मॉडिफाइड के ब्रैकेट्स में लिखो रेफर SA705। ये मॉडिफाइड तो आपको पूरा का पूरा डिटेल में 705 में सिखाएंगे। देखो सीक्वेंस क्या रहेगा, कल पहले आपको इन दोनों वर्ड्स के अंदर प्राइमा फेशियल डिफरेंस क्या है वो बताएंगे। इट विल टेक टाइम, बट यू हैव टू बी वेरी पेशेंट व्हेन यू आर लिसनिंग टू दिस। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग वहां डेवलप होगा, फिर आपको ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट बताएंगे। आई थिंक उसके अंदर दो लेक्चर लगेगा, ओल्ड फॉर्मेट पे जाने का है, रिवाइज पे जाने का है, डिफरेंस समझने का है, समझा गया मेरा बात? वो फॉर्मेट समझेगा, उसके बाद में 705 पे जाएंगे कि कब क्वालिफाइड आएगा, कब एडवर्स आएगा और कब डिस्क्लेमर आएगा, ये ट्राई करेंगे। तुमको समझेगा क्यों बोला मैंने सर, ये ट्राई करेंगे, क्योंकि ये समझ गया ऑडिट खत्म हो गया ना, क्योंकि बॉटम लाइन तो यही देने का है, वंस दिस इज डन इट्स ओवर। आफ्टर दिस देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज 706, दो पैराग्राफ से वहां जाएंगे, पर वो अपने आप में अलग कॉन्सेप्ट हो गया, उसमें मुझे स्ट्रेस नहीं है। अगले दो स्टैंडर्ड्स बहुत इंटरकनेक्टेड है, 700, 705, थोड़ा सिंसियर रहना पड़ेगा।
अगर अगला 3 लेक्चर या 4 लेक्चर आपको समझ में आ गया, उसके बाद में चीजें बहुत ही आसान हो जाएगी। आई मीन दैट उसके बाद में ऐसा लगेगा अब ठीक है फॉर सम टाइम, ऑब्वियसली देन अगेन 300 सीरीज विल कम। ये डिजाइन ही वैसे की है, मेरे को मालूम है कि थोड़ा पहले जंप आना चाहिए तो आदमी सीरियस हो जाए, फिर आसान आया तो वो वापस, फिर वापस 300 ले जाऊंगा प्लानिंग तो स्ट्रेस बढ़ेगा। वंस प्लानिंग इज ओवर वी गो बैक टू एग्जीक्यूशन, इट विल बिकम इजी वंस अगेन एंड देन ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड्स विल बी ओवर। मतलब तब आपको एक पॉइंट के बाद में जो भी मैं बोल रहा हूँ वो ऐसा लगेगा कि ये सीमलेस है, बिकॉज डे वन से जो था वो सब इतना कनेक्टेड रहेगा कि आपको कुछ भी नया लगने का चांस कंपेरेटिवली कम हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर टुडे, टुमारो विल स्टार्ट विद द डिफरेंस फर्स्ट। आर वी गुड? Thank you guys, have a great day, enjoy.